आ रहा। सलाम वालेकुम सर। नो सर, कोई इशू नहीं आ रहा, लेकिन वो चलाने नहीं आ रहे अभी, यानी कि यूज करने नहीं आ रहे। देखिए, आपके टीचर ने, आपके सर ने बड़ी तफसील के साथ आपको गाइड किया है, और इवन के उनकी वो वीडियोस भी चैनल पे पड़ी हुई हैं, और आप उसको चेक कर लें। जब लिंक आपको मिल गया है, जब एक सॉफ्टवेयर नहीं चलाना आता तो आप अगेन एंड अगेन उसको देखें। उस पे पहले थोड़ा सा गो थ्रू होना। आपको मतलब एक टूल चलाना नहीं आ रहा तो कैसे आप मतलब करेंगे? उन्होंने हर तफसील के साथ एक एक चीज आपको बताई है, तो समझाने का मतलब क्या था? उन्होंने मतलब इन डेप्थ में अगर ये चीजें आपको बताई हैं तो टूल्स तो वैसे भी बंदा मार्केट से भी थोड़े से कॉस्टली, बस यही है कि वहां से मिलते हैं। और लेकिन ये प्लीज जरा ना माइक ऑफ कर दें, तवज्जो चाहिए आपकी। देखिए, उनको उनके यहाँ पे टीच करने का मकसद क्या था, ताकि आप लोग इजीली उसको यूज करना सीख जाएं और देन आप लोग टारगेट कर सकें। मेन प्रॉब्लम यह है कि अभी हम लोगों को पता ही नहीं है हमने टूल्स को यूज किस तरह से करना है। तो बताइए, यूज में मतलब ट्राई ही नहीं किया, हैंड्स डाउन किए ही नहीं, या वैसी समझ नहीं आ रही आपको? सर यूज किए हैं, लेकिन हेलो वो कोई ना कोई चीज जो होती है ना, वो रह जाती है और हेलो वो होता नहीं है मुझसे ना। और हेलो, सर जी, आपकी आवाज आ रही है, कौन बोल रहे हैं भाई? नहीं, वो ना मैं चलाती हूँ, जैसे 3D लोगो है, उसको मैंने किया था 2-3 दफा पहले। मैंने किया था तब मैंने वो लोगो बना लिया था, और वो सिर्फ बैकग्राउंड का प्रॉब्लम हो रहा था, वो बैकग्राउंड नहीं हो रहा था मुझसे रिमूव। उसके बाद सॉफ्टवेयर आए, उस वो सॉफ्टवेयर के साथ मैंने किया है, तो वो फाइल ही इंपोर्ट नहीं हो रही थी मुझसे ना। तो वो मैं देखती हूँ सर की वीडियो, फिर मैं करती हूँ, फिर ये इस तरह से चलाने में थोड़ा सा मुझे फिर इश्यू आता है। उसके बाद आज मैंने वो किया, उसको बूट मास्टर को यूज किया, तो मैंने ना नंबर जनरेट किए, कल की बात है ये, तो ये तकरीबन 10,000 नंबर जनरेट कर लिए उससे, नंबर जनरेटर से। उसके बाद उस पे लगाया नंबर फिल्टर, तो वो एंड में मेरे ख्याल में मेरा ना नंबर ब्लॉक हो गया या क्या हुआ, तो उसके बाद वो व्हाट्सएप ही नहीं चल रहा था, फिर उसका इशू हुआ, व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया मेरा। अच्छा, ठीक है। देखिए ना, अब आपने एक ट्राई की है, आपको आइडिया मतलब हो गया कि ये प्रॉब्लम आई है, तो उसकी अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आप उसे अनब्लॉक कर सकते हैं? तो जब तक आप अपने टीचर्स या ट्रेनर के साथ ये चीज़ शेयर नहीं करते, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपका पेन पॉइंट क्या है? वेरी फर्स्ट थिंग, कि अगर आपको ये जो मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, असाइनमेंट्स मिलती है ना, जैसे कि आपको लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड मिली या दूसरी पोस्ट से रिलेटेड मिली, उसका मतलब यही होता है कि आपको स्टार्ट में जो प्रॉब्लम आ जाए तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। इन केस अगर आपको नहीं समझ आती, मतलब ड्यूरिंग लेक्चर्स, या वो लेक्चर बहुत आगे चला जाता है और आप किसी प्रीवियस लेक्चर में ही फंसे हैं, तो अगर वीडियो से आपको हेल्प नहीं मिल रही, तो आप यूँ करें, अपनी एक नोटबुक के ऊपर वो अपना क्वेश्चन रेज कर लिया करें, उसको लिख लिया करें, राइट कर लिया करें वहाँ पे। और जब सेशन हो, सेशन के एंड में आपके टीचर हर रोज पूछते हैं आपसे, जी किसी का कोई सवाल, किसी का कोई सवाल, तो आप कह सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है और मुझे इसका सलूशन बताएं, तो आपके टीचर आपको सलूशन बता देंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप शेयर नहीं कर रहे और फिर बैठे हैं, तो फिर ये कैसे चलेगा? मतलब अभी तो आपने बताया जैसे कि आपको लोगोस में प्रॉब्लम आ रही है, अभी तो बिल्कुल स्टार्टअप पे फंसे हैं। सेकंड, आपने वो बूट मास्टर के हिसाब से बताया, तो अगर मतलब ये चीजें आप फेस कर रहे हैं, आप डिस्कस नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो आपके जो टीचर है उनको कैसे आइडिया होगा कि भी आपको ये इश्यू है? अब जबकि आपकी ये प्रॉब्लम, आपने इसको फेस किया है, तो इनशाला वो आपको गाइड भी करेंगे कि किस तरह से इसे आपने अनब्लॉक करना है और नेक्स्ट इसका यूजेज किस तरह से करना है। ठीक है ठीक है सर। जी, सर वो लोगो वाला वो मैंने पहले भी 2-3 दफा किया था, तो वो मैंने कहा शायद ये सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो फिर मैंने सॉफ्टवेयर के बाद अब किया है, तो वो अब भी मेरे से वो फाइल इंपोर्ट नहीं हुई। उधर ना 3D लोगो जहाँ करते हैं ना, फोटोपिया पे, वहां की बात कर रही हूँ।
जी आप जरा एक मरतबा फिर से उस वो जो लेक्चर है ना सर का यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ उसको एज इट इज देखें, नहीं तो फिर आपके टीचर जो है ना सेशन के लास्ट में आपको बता देते हैं कि इशू कहाँ पे आ रहा है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पे इशू आ रहा है आपको। ठीक है, यकीनन कोई गलती है जिसकी वजह से वो नहीं इम्पोर्ट हो रही, और यही क्योंकि बाकी तो सबके हो गए हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स के देखे हैं, असाइनमेंट्स देखे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह वो आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे, आपकी दोनों प्रॉब्लम्स जो है ना वो सेशन में सबके सामने आपको बता देंगे, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी अगर इश्यू है लेट्स सपोज या इन फ्यूचर होगा तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब भी कोई परेशानी हो मसला हो तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो लेकिन इंशाल्लाह भी ड्यूरिंग लेक्चर ही, लेक्चर खत्म होने के बाद आपको गाइड कर देंगे सर। आप काइंडली अपना ये जो प्रॉब्लम है इससे नोट आउट कर लें जो भी इश्यूज हैं जी। और किसी का कोई इश्यू है? जी सर, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो जो हम लोग नंबर जनरेट करते हैं, एरिया वाइज जनरेट करते हैं, जी जीबी उसमें एक्सट्रैक्टर में, तो जी सर उसमें तो हमारा जो एरिया है उसका तो वो नेम ही नहीं है। भावलपुर से आगे जो सिटीज हैं उनकी नेम ही नहीं है और कोर्स भी नहीं है। जी ये आप अपना वो जो क्वेश्चन है नोट कर लें, ये इंशाल्लाह आपके सर ही बताएंगे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो आपको गाइड करेंगे, सॉफ्टवेयर में जो जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो आपको बता देंगे, इसको लिख लें, ये 1 से 2 मिनट की वो बात होगी, वो उसी में आपको समझा देंगे जी आप जी जी सर। इसको। सर और एक और बात, जी जब हम कंपेन चलाते हैं मीन्स कि वो जी तो हमारे नंबर से जा रही होती है, जी तो अब मैंने अपनी सिटी में कंपेन चलाई है तो वो तो मुझे रिप्लाई करी जा रहे हैं, वो बटन तो यूज ही नहीं कर रहे। आपने बटन पे वो बटन क्रिएट किया था, नंबर दिया था दूसरा? जी सर, व्हाट्सएप का बटन भी बनाया था और कॉल का बटन भी बनाया, नहीं, बटन तो आपने क्रिएट कर दिया, तो बटन पे तो कौन सर सा? हम अपने वो जो नंबर है उन आपकी आवाज कट रही है सर अब जो हमने अपने नंबर से कंप्लेन कर रहे हैं। जी, आपकी आवाज अभी जो सर अब हम जो अपने अभी भी कट रही है जी बहन बोले। वो, हम जो नंबर्स अपने नंबर कंपेन चलाते हैं, हम अपने नंबर्स के अप्लाई कैसे कर सकते हैं या हमारा नंबर शो ना हो। का नंबर शो ना हो ड्यूरिंग कैंपेन, जी सर, उसका रिप्लाई भी वो हमें रिप्लाई ना कर सके ना, हमारा नंबर रिप्लाई कैसे हम डिसेबल कर सकते हैं कि वो हमें रिप्लाई ना कर सके। ये आपके सर ने सुन ली है, वो इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दे देते हैं क्लास के एंड में। आप इसलिए मैंने कहा कि आप लोग जो है ना, मैं तो सिर्फ आज जो ट्रेनिंग देनी है या मैंने और दुआ बहन ने वो थोड़ा सा गाइड करना है आपको अर्निंग के हवाले से, तो अच्छा है कि आपने ये इश्यूज बता दिए, और भी किसी के होंगे तो वो अगेन नहीं पूछ सकते, नहीं पूछेंगे, तो आप इसको ना वहाँ पे लिख लें, इंशाल्लाह सेशन के एंड में सर बता देंगे। ठीक है मेरी बहन, जी सर, थैंक यू सर, जजाकल्लाह। आमीन। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। एक इशू आ रहा था कि जब हम नंबर एक्सपोर्ट करते हैं, जब एक्सेल शीट में होते हैं तो उसमें वो साइंटिफिक वैल्यू में होते हैं, ई प्लस आता है उनमें, जी। तो उसको कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, इसका भी जवाब सर दे देंगे आपको, और इस सवाल को भी लिख लें आप, नोट नोट कर लें इसको, इंशाल्लाह सेशन के एंड में सर आपको जवाब दे देंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर डोमेन उनकी है, वो टीचर हैं, तो वो उसको आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा जी, आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर हुई है मेरी? जी सर, जी सर, हो रही है। ओके जी सर, जी ठीक है, असल में ना आज का जो
जी थैंक यू। आज का जो सेशन था ये बेसिकली रखा इसलिए गया था कि काफी स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर वगैरह बाय कर ली हैं, लेकिन उनको उनका यूज नहीं आ रहा था यूज करना ना। और अभी जैसे हमारी अध्यापिका ने बताया उनको कुछ इश्यूज हैं, तो सबसे पहले तो आप ना थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें उस पे कोई एक आध दिन, ताकि आप जब मार्केट में जंप करें तो आपको ना कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई भी आपको क्रिटिसाइज ना करे, क्योंकि ये आपके उस्ताद पर उंगली होगी। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि आपको इंशाल्लाह ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं आपके पास इनकी वर्थ कितनी है मैं अभी कुछ ही देर में बताऊंगा, और आप लोगों ने बिजनेस जनरेट कैसे करना है। तो आज का सेशन इसी हवाले से है, मैं भी आपको इस हवाले से गाइड करूंगा और दुआ बहन भी। तो होपफुली अगर आप मतलब समझ के इस चीज को तो दोबारा आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी, फिर तो सिर्फ आपको अपना वो एक्सपीरियंस लेना है या अपनी जो जो प्रॉब्लम्स हैं जो आएंगी या ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको आ रही हैं वो आप अपने टीचर से शेयर करेंगे, सर से शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह सर उसको भी दूर कर देंगे। आपका मेन इश्यू, मेन प्रॉब्लम जो आपका मेन पेन पॉइंट है सब लोगों का जिन लोगों ने वो सॉफ्टवेयर ले लिए हैं, तो इंशाल्लाह ट्राई माई बेस्ट के मैं और दुआ बहन जो है ना आपको गाइड कर सकें। अगर आप उस तरह से अप्लाई करेंगे जो स्ट्रेटेजी हम आपको बताएंगे, तो उसके बाद दोबारा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। तो मैं एक चीज़ आपसे शेयर करने लगा हूँ, शायद आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो। अपवर्क है, ये मैंने एक ब्लॉग खोला है, ठीक है, ये ब्लॉग है बींग गुरु का, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है सर हिशाम सरवर साहब। तो ये उनकी उनके ब्लॉग पे ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, और इसकी एक वर्थ है, एक वैल्यू है, ये डोमेस्टिक भी है इंटरनेशनल भी। अच्छा, यहाँ पे ना अपवर्क की तरफ से कुछ जो है ना टॉप स्किल्स 2023 के हवाले से ना उन लोगों ने पब्लिश की हैं अपवर्क की तरफ से। अपवर्क है क्या? अपवर्क बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, उससे मतलब जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो जाते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, इससे एडवांस लेवल है guru.com, ठीक है, वहाँ पे वो जो जिनके पास स्किल्स होती हैं वो अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, और जो क्लाइंट होता है वो अपनी डिमांड उनको देता है, उसके अकॉर्डिंगली वो जब वो परफॉर्म कर देते हैं तो उनको पे किया जाता है। तो वो जिन मार्केट प्लेसेस पे क्लाइंट मिलते हैं वो है अपवर्क, गुरु, फाइवर वगैरह ना। इनिशियल स्टेज पे लोग फाइवर से स्टार्ट करते हैं, देन जंप करते हैं अपवर्क पे और फिर गुरु पे, क्योंकि गुरु सबसे मतलब प्रो लेवल है ना। तो ये अपवर्क ने ये चीजें बताई हैं कि टॉप 10 स्किल्स के बारे में बताया उन्होंने, और उन्होंने हर चीज को ना उनकी कैटेगरी बना दी है। तो अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो आप देख सकते हैं कि अपवर्क टॉप 10 टेक स्किल्स फॉर 2023, ठीक है। तो इसके अंदर उन्होंने बताया जी कि टेक से रिलेटेड कौन कौन से स्किल्स हैं जो 2023 के अंदर बहुत ज्यादा मतलब डिमांड इन डिमांड रहेंगी, और जिन्होंने उन्होंने मतलब जो प्रीवियस उनका एक्सपोजर रहा है, चूंकि दुनिया के तमाम ममालिक के क्लाइंट्स भी उनके पास आते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स भी आते हैं, तो उनको वो चेक एंड बैलेंस होता है, ठीक है, और मतलब सिचुएशन में मॉडर्न एज में जो चीजें ज्यादा चल रही हैं हर चीज पे उनकी ना नजर होती है। तो इस हिसाब से उन्होंने वो मतलब जो टॉप 10 हैं टेक के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, तो वो सारी स्किल्स पुट कर दी हैं ताकि लोग उस पे वर्क कर सकें। तो ये चंद एक स्किल्स हैं अपवर्क के हवाले, ये उसके टेक के हवाले से। तो चूंकि हम लोग का टेक से तो कोई लेना देना नहीं है, हम लोग हैं मार्केटिंग से रिलेटेड ना, तो ये मार्केटिंग स्किल्स हैं। तो मार्केटिंग स्किल्स के अंदर अगर आप देखें टॉप 1 पे SEO है, ठीक है, के बारे में मतलब उन्होंने बताया कि ये जो 10 स्किल्स हैं ये पूरा एक साल चलेंगी, इन डिमांड रहेंगी, ठीक है, तो इन पे काम करने की जरूरत है। अब SEO क्या है? SEO बेसिकली हम जिस चीज के बारे में नहीं जानते, हमें जिस चीज की हावनो नहीं होती, वो हमारे लिए एक रॉकेट साइंस की तरह होती है, एक मिस्ट्री होती है, हमें नहीं पता होता कि ये काम किस तरह से होता है। लेकिन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, सिर्फ इसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों में से हर एक बंदा SEO को समझता है, उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा है,
उसकी स्ट्रेटेजी को समझता है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो SEO की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, पता नहीं है। अगर आप सिंपल अपना फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं तो आप SEO कैटेगरी में ही आ रहे हैं। ठीक है, मज़ीद इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट के नेक्स्ट वीक में, वेरी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर एक SEO की वो क्लासेस स्टार्ट होंगी। उसमें वो 2 वीक चलेंगी और इंशाल्लाह आपको कोशिश ये रहेगी कि एडवांस लेवल की जो स्क्रीन शेयरिंग के साथ आपको SEO करवाई जाए, और मतलब जिसमें थ्योरी कम होगी प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। जो चीज़ें मतलब चल रही हैं, जिन चीज़ों पे वर्क हो रहा है, और SEO की वैल्यू वर्थ, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी। और SEO के बाद YouTube SEO होगी, YouTube SEO के अंदर आपको YouTube के मैनेजमेंट भी सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, और मतलब उसकी YouTube की SEO कैसे करनी है, उसको मोनेटाइज कैसे करना होता है, अपने चैनल को ग्रो कैसे करना है, और अपनी कोई भी एक वीडियो को शॉर्ट्स को वायरल किस तरह से करना है। तो ये सारी सारे तरीकाकार आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक है जी, तो Top 1 पे जो SEO है इंशाल्लाह इसको हम इन डिटेल विद इन 2 वीक्स में हम इसको कवर कर लेंगे, और आप सब लोग इसे समझ जाएंगे। ये इजी टू लर्न होगा, मतलब इतना इजी करने की कोशिश होगी आपके लिए कि आप सबको ये समझ आ जाए, और इंशाल्लाह जरूर आएगी। अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब ये सिर्फ आप सब लोगों के लिए है जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें आइडिया नहीं है हम लोग अपनी अर्निंग कहाँ से स्टार्ट करें, इवन के हमारे पास सॉफ्टवेयर भी हैं, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर भी बाय किए हैं। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी वर्थ बताऊंगा इंशाल्लाह, और फिर बताऊंगा कि आपने इसको इस्तेमाल में कैसे लाना। लेकिन उससे पहले मैं चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको अपनी वर्थ का, अपनी वैल्यू का पता चले, और आपके टीचर ने जो कन्वे किया है आपको, आपको उस चीज का भी पता चले कि यार उन्होंने क्या आपको एक स्किल दी है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो Second 1 जो है इसकी मार्केटिंग स्किल्स में Top 10 में आती है। हम लोगों में हर कोई फेसबुक यूज करता है, इंस्टा यूज करता है, ट्विटर यूज करता है, लिंक्डइन यूज करता है। खैर लिंक्डइन तो शायद ही कम लोग करते हों, लेकिन 2-3 चीजें जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं सोशल मीडिया, जो हम फेसबुक ओन कंपनीज की कंपनी की बात कर लेते हैं, फेसबुक हो गई, इंस्टा हो गई, या व्हाट्सएप हो गई, ये फेसबुक ओन कंपनी है ना, मतलब ये तीनों फेसबुक की प्रोडक्ट है। सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है इंस्टा पे जैसे जो फेसबुक पे होती है। तो इंशाल्लाह इसका भी एक लेक्चर रखना है, इन डिटेल होगा। उसमें आपको फेसबुक का पेज बनाने से लेके उसकी इन डेप्थ, उसकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, एड्स किस तरह का होना चाहिए, और आप फेसबुक पे मतलब एक पोस्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टा पे भी चल रही हो, एड अगर यहाँ पे चलाना है तो वहाँ पे भी चल रहा हो, वहाँ पे एड किस तरह से चलाना है, और सोशल मीडिया का यूज किस तरह से करना है, और सोशल मीडिया को यूज करते हुए हमने किस तरह से क्लाइंट लेने हैं। इंशाल्लाह आपको एक ही दिन के अंदर कोई 1.5 घंटे की क्लास होगी, तो उसमें सारी चीज बता दी जाएगी, जो टेक्निकल चीजें हैं, जो इसकी मतलब वैल्यूएबल चीजें हैं फेसबुक के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से इंशाल्लाह आपको बताई जाएंगी। और उसके बाद ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है या सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, ये आपके लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। आप सब लोग इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि किस तरह से हमने, लेट्स सपोज, अगर पेज बनाना है, किस तरह से हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने फेसबुक से क्लाइंट लेना किस तरह से है, हमने इंस्टा से क्लाइंट लेना किस तरह से है, और हमने ट्विटर से क्लाइंट लेना किस तरह से है। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि किस तरह से हम अपनी ऑडियंस को ग्रैब करते हैं, उनके अटेंशन को अपनी तरफ, उनको इंगेज करते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, और सिर्फ एक दिन के सेशन में आप सब लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि डिजाइनर तो आप बन चुके हैं, आपको चीजों का आइडिया हो गया है कि हम लोगों ने करना कैसे है, और ये टूल चलाना आ गया है। बस अगर आप मजीद उसको डेली यूज करते रहें, कभी किसी का लोगो बना दिया, कभी कोई भी चीज देखी तो उसको बनाने की कोशिश की, 3D में कर ली, या जो सिंपल लोगोज होते हैं उनको बनाने की कोशिश की, तो डिजाइनर भी हैं आप। और आधी गेम जो होती है ना आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की, वो कंटेंट बेस पे होती है, अब बल्कि आधे से ज्यादा जो है ना वो होती ही कॉन्टेंट बेस पे है। कॉन्टेंट 3 तरह का होता है, रिटन में होता है, इमेज सूरत में होता है, और वीडियो की सूरत में होता है। ठीक है जी, वीडियो में लोग ज्यादा लाइक करते हैं, ज्यादा अट्रैक्शन होती है। तो मेरे ख्याल से आपके सर ने इन डिटेल आपको
ये वीडियो भी सिखाई है कि आप लोगों ने कैनवा के ऊपर किस तरह से वीडियोस बनानी है। तो आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इमेज रह गई तो अगर आप वीडियो नहीं बनाते, इमेज की सूरत में अपना कंटेंट अपलोड करते हैं या किसी की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपका जो इमेज होता है वो आपकी प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की डिस्क्रिप्शन होता है पूरा। उसमें आपने एक्सप्लेन करना होता है या किया होता है। आप उसे एक जुमले में कर दें, आप उसे दो तीन जुमलों में कर दें, आप उसे उसे वर्ड्स में कर दें, तो आपका इमेज आपका कंटेंट होता है। तीसरी चीज होती है जो आप रिटन फॉर्म में करते हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं, या एडवांस लेवल उसका है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग बेसिकली यूज होता है अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब क्लाइंट को अपनी तरफ एग्री करने के लिए, कॉल टू एक्शन के लिए जो चीज यूज होती है वो कॉपी राइटिंग होती है। चीजें हैं रिटर्न में, ये होता है कि सर आपकी इसमें आवाज नहीं आ टेक्टिक्स रही। होते हैं। सर ठीक आ रही है, कुछ ब्रेक हो रही है। तो सर कहीं आवाज आपकी नहीं आ आवाज रही। ब्रेक हो जाती है। कॉपी राइटिंग की बात होता है कि उसमें आपने सर आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही। राइटिंग, मेरे ख्याल सर से आवाज ब्रेक नहीं आ रही, ठीक हो रही है। सर रिजॉइन कर लें क्लास। सर आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी आवाज आ रही जी आ रही है आपकी आवाज। जी जी मैम, जी मैम आ आ रही है आपकी रही है। आवाज। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अस्सलाम। हाँ जी, तो जहाँ तक आपको सर ने समझाया कि किस तरीके से आपको डिजाइनिंग आ जाती है, उसके बाद आप लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो इस चीज का किसी को कोई पॉइंट समझ आया अपने अपने स्किल्स के हवाले से कि हम अपने स्किल को कैसे एनहेंस कर सकते हैं। मुझे आप में से कौन ये बताएगा कि मैम मेरे माइंड में ये आइडिया आया है, मैंने अपने स्किल को आगे ऐसे रिप्रेजेंट करना है। कोई आया किसी के माइंड में? जिससे मेरे माइंड में एक आइडिया है मैम। जी बताएं मुझे। मैम मैंने सोचा है कि मैं लोगो डिज़ाइनिंग के ऊपर थोड़ा वर्क करूं, पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लूं, फिर उसकी मैंने ऐड भी बनाई है। ऐड को फिर मैं मार्केटिंग के ज़रिए से व्हाट्सएप वगैरह पे भेज दूं, सेंड कर दूं, और फिर लोगों के लिए एक सर्विस करूँ। ओके, मतलब आप लोगो डिजाइनिंग की सर्विस करना चाहते हैं, तो ये बात याद रहनी चाहिए किसी को, अगर आप लोगो बनाकर दे रहे हो तो आपका वाटर मार्क उस पर लाजमी होना चाहिए। जब तक वो आपको पेमेंट सेंड नहीं करता, आप विदाउट वाटर मार्क उसे फाइल नहीं देंगे। ठीक है, ओके मैम। मैम वाटरमार्क से और जो क्या डिजाइन मतलब? आपने डिस्प्ले के लिए लगाने हैं उन पर भी आपका वाटर मार्क होना चाहिए। जी वाटरमार्क से क्या मुराद है, इसके अंदर थोड़ा सा बता दें। वाटर मार्क से मुराद वो होता है कि अगर आपका लोगो है या आप किसी नाम को, अपने किसी वर्ड को बहुत से लोग ट्रांसलेट पर लेकर वर्ड को थोड़े कलर होता है, उसको टेक्स्ट को भी सेंड टू बैकवर्ड या उसको वाटर मार्क के जरिए लगा देते हैं। बाकी कुछ लोग लोगो को यूज करते हैं, कुछ किसी एक सिंबल को यूज कर लेते हैं, मीन्स के जो उनका स्पेसिफिक वर्ड होता है उसे बैक टू सेंड कर देते हैं, या फिर अपनी कहीं साइट पर ऐसे रखते हैं कि उनका वाटर मार्क शो हो रहा होता है, कि उनका अपना ब्रांड शो हो रहा होता है, कोई उसको ऐसे ही कॉपी नहीं कर सकता। मीन्स कि अगर कोई उसे कॉपी भी करेगा तो वो बीच में उन्हीं का नेम रहेगा, उनका ब्रांड रहेगा, कॉपी भी करेगा तो पता लग जाएगा किसी और का ही, उसका अपना नहीं।
जी ठीक है। ये वाटर मार्क किस तरह, किस तरह लगाते हैं? आपके टीचर आपको लेक्चर में समझा दें कि वाटरमार्क आपने किस तरह से लगाना है, ठीक है? तो हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको आपकी वर्थ बता रहा हूँ एज ए डिजिटल मार्केटर, आप लोग क्या कर सकते हैं। टॉप वन पे एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने बता दी, और अदर जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें भी मतलब यही सेम चीज़ें आ रही हैं कि आपने मार्केट करना है किसी की प्रोडक्ट को या किसी की सर्विस को। लेकिन अलमिया ये है कि जब तक आप खुद को मार्केट नहीं कर रहे तो आप किसी दूसरे को क्या करेंगे। आपकी डोमेन, आपकी स्किल है ही मार्केटिंग। आप अपने नाम से पहले डिजिटल मार्केटर लगा रहे हैं, डिजिटल क्रिएटर लगा रहे हैं, लेकिन जब आपको खुद अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ का अंदाजा नहीं है, तो आप किसी की किसी के लिए क्या किसी को क्या वैल्यूएबल बना सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग, यू हैव टू हैव नॉलेज अबाउट योर सेल्फ। आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि भाई ये मार्केटिंग है क्या, और मैं किस तरह से कर सकता हूँ, और मैं कर क्या सकता हूँ, ठीक है जी। चले एसईओ तो हम नेक्स्ट वीक का कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग तो ऑलमोस्ट आपको होनी चाहिए। उसमें जो मैंने दीगर कंटेंट की जो शक्लें हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर रही हैं, सारी आपको आती हैं। लेट्स सपोज आप वीडियो डिज़ाइन बना रहे हैं या इमेज डिज़ाइन बना रहे हैं, आप उस पर थोड़ी सी असाइनमेंट बनाएं, डेली कुछ ना कुछ काम करें। सबसे पहली पहली बात ये, इंशाल्लाह सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आपको विद इन अ डे कम्प्लीट करवा दूंगा। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, हालांकि उस पर बड़ा टाइम लगता है सोशल मीडिया मार्केटिंग पे ना, लेकिन बेसिक्स तो सब लोगों को आइडिया होगा इंशाल्लाह। और मैं इसको प्रोफेशनली कैसे यूज करते हैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। और अदर डिजिटल मार्केटिंग है वो भी आप आपके इस कोर्स का हिस्सा है। इवन के जो लोगों को नहीं पता उन चीज़ों के बारे में, इवन के मुझे खुद इन सॉफ्टवेयर्स की वर्थ का आइडिया नहीं था जो आपके सर आपको करवा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। अब एक डिफरेंस मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं अपवर्क की। मैंने आपके सामने ये जो ब्लॉग रखा है ये अपवर्क का रखा है, ठीक है? अपवर्क पे लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में जो सर्विस प्रोवाइडर बैठे होते हैं, ठीक है? अब जिस बंदे ने आपको काम देना ना, उसने 10 बंदों को पहले चेक किया होगा, उनका पोर्टफोलियो चेक किया होगा, ठीक है? पोर्टफोलियो चेक करने के बाद जैसे ही कोई बंदा एक चीज ओपन करता है, वो उसके साथ उसकी कन्वर्सेशन होगी, तो उसके इलम में भी मजीद इजाफा होगा, उसको भी चीजों की हावना होगी। तो जब आप वो आपके पास आएगा, आप पे जंप करेगा, तो उसके पास उस हद तक 2 4 5 6 मतलब एक्सपर्ट्स के साथ होता हुआ यहाँ पे आएगा। हम भी जब कोई चीज बाय करते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, तो हम फौरी जाते हुए नहीं खरीद लेते, हम 2 3 दुकानें फिरते हैं, हमें चीजों का उसमें आइडिया हो जाता है कि भाई इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वांटिटी कैसी है, इसकी लाइफ कितनी है। तो इसी तरह जो आपसे सर्विस लेने आ रहा है ना, वो पहले चीजों को एक्सप्लोर करता है, तो आधा लोग तो उसे वैसे ही ट्रेन कर देते हैं। और अगर आप न्यूबीज हैं तो आप मतलब प्रोफेशनल मार्केट में कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक? अच्छा, आपके पास ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, बात फिर वही आ गई कि आप खुद डिजिटल मार्केटर हैं और आपके पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हाईली एडवांस लेवल के हैं, लेकिन आपको उनका यूज करना नहीं आ रहा। वही लोग जो खुद चल फिर के आपके पास आ रहे हैं मार्केट में, और आप मंडी में बैठे हुए एक मजदूर की तरह, ठीक है जी? एक डिजिटल मजदूर होता है ये जो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस होती है ना, यहाँ पे जितना भी कोई स्किलफुल है वो एक डिजिटल मजदूर की तरह है। तो उसने बहुत सारे लोगों को देखना है, कुछ चस्का लेना है आसान अल्फाज में बोल दें, तो फिर उसके बाद उसने अपने बजट के हिसाब से किसी ना किसी एक की सर्विस ले लेनी है। लेकिन पैरेलल में जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको पता है डायरेक्ट कंपनी के सीईओ को अप्रोच कर सकते हैं, आप मैनेजिंग डायरेक्टर को अप्रोच कर सकते हैं, आप किसी भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं। होता क्या है, जब आप मैसेज करते हैं ना, मैं सिर्फ ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं सिर्फ आपके व्हाट्सएप मार्केटिंग की बात करता हूँ। लेट सपोज अगर आप यहाँ से कोई व्हाट्सएप करते थे, किसी बंदे को मैसेज चला जाता है, उसको नहीं पता होता कि यार ये व्हाट्सएप मार्केटिंग के पीछे कौन सी रॉकेट साइंस है, वो परेशान हो जाता है कि यार मेरे फोन पे एक बंदे का मैसेज आया व्हाट्सएप पे और वो मार्केटिंग कर रहा है, वो इस चीज से इंप्रेस होता है। अगर 10 लोग एक्सपर्ट है ना, तो उनमें एक बंदा ऐसा भी होता है जिसे चीजों का आइडिया नहीं होता,
क्योंकि हर बंदा हर चीज के लिए नहीं बना होता और हर बंदा हर चीज पे फिट भी नहीं होता। अगर ये जो बड़ी अथॉरिटीज हैं ये अगर हर हर चीज को देखना शुरू कर लेंगे ना, तो ये कभी भी ब्रांड नहीं बनते, ये कभी भी आइकॉन्स नहीं बनते, ठीक है जी, तो यूनिकॉर्न्स नहीं बनते। तो ये लोग इन छोटी चीजों को नहीं देखते। अगर आपने कोई ऐसी सर्विस उनको दे दी है जिससे वो शॉक्ड हो गए, या कोई एक क्लाइंट ही अगर आपको मिल जाता है, तो आपको खुद नहीं पता चलता कि आप मतलब मंथली एक ही बंदे के साथ अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखें ना, आप अपने सॉफ्टवेयर्स को देखें, 15 सॉफ्टवेयर हैं, आप उनमें क्या क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये सेशन के एंड तक मैं आपको बताता हूँ। खैर, हम लोग SEO की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रहे थे, अदर डिजिटल मार्केटिंग जो टूल्स की बेस पे है उस पर बात कर रहे थे। लीड जनरेशन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, आपके टीचर ने अराउंड कुछ 4 से 5 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनको इन डिटेल आपको बताया। ये लीड जनरेशन है क्या? देखिए, कि इंटरनेशनल मार्केट प्लेस आपको बता रही है, ब्लॉग में बताया जा रहा है, और ब्लॉग जिस बंदे ने लिखा है वो भी एक अथॉरिटी है, ठीक है। और जो मार्केट प्लेस के बारे में बताया जा रहा है वो भी एक अथॉरिटी है, वो बहुत सारे कंट्रीज के मतलब बिहाफ पे ये बात कर रहे हैं। तो लीड जनरेशन के बारे में उन्होंने बताया कि लीड जनरेशन इन डिमांड स्किल है। अब ये लीड जनरेशन है क्या, काफी लोगों को आइडिया नहीं होगा कि लीड जनरेशन है क्या। लीड जनरेशन ये होती है कि आपका एक क्लाइंट आता है, वो आपको कहता है, जी मुझे मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंगली, लेट सपोज अगर उसका बिजनेस फिटनेस का है, या सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं या डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका, ये मतलब कैंचियों का बिजनेस है, या ऐसा किसी चीज का बिजनेस है जो ऑपरेशन में यूज होते हैं, या जो डेंटल यूज करते हैं, वो आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि जी मुझे मतलब ना लीड जनरेशन की आपसे सर्विस लेता है। होता क्या उसमें, इसकी कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज इसकी ये हैं लीड जनरेशन में, एक तो आपने प्रोवाइड करना होता है, ये एक एक्सेल शीट होती है, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली है क्या चीज। ये देखें जी, आपका जो क्लाइंट है ना, आपको लेट सपोज एक मतलब लिंक देता है एक वेबसाइट का, उस वेबसाइट के अंदर जितने यूजर्स होते हैं वो आपसे उनका कंपनी नेम डिमांड करता है, फुल एड्रेस डिमांड करता है, नेम ऑफ सीईओ डिमांड करता है, लिंक्डइन का यूआरएल डिमांड करता है, या किसी भी सोशल मीडिया चैनल का यूआरएल डिमांड करता है, उसका वेबसाइट यूआरएल डिमांड करता है, और इस तरह से जो है ना वो चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। आपने जो है उसको ये चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं, इसे बोलते हैं लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के अंदर आपने ईमेल देनी होती है, वेबसाइट देनी होती है, फोन नंबर देना होता है और एड्रेस देना होता है। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाएं तो वो लोग आपसे डिमांड करते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि आप किसी का फर्स्ट नेम कैसे ले सकते हैं, किसी का लास्ट नेम कैसे ले सकते हैं, उसके बाद उसका एक्चुअल ईमेल किस तरह से ले सकते हैं, और जो सीईओ का अपना अपनी अथॉरिटी जो अथॉरिटी है उसका अपना ईमेल आईडी है वो आप कैसे ले सकते हैं, किन किन वेबसाइट से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा लोग अप्रोच करते हैं लिंक्डइन को, तो लिंक्डइन इंशाल्लाह आपके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं रहेगी। अब ये जो लीड जनरेशन है, एक बंदा अगर मैं आपको मैनुअली बताऊं जिसमें सॉफ्टवेयर यूज नहीं होते, हालांकि लोगों ने इसका स्टार्टअप लिया था जब सॉफ्टवेयर्स का आइडिया ही नहीं होता था, तो एक मतलब लीड जनरेट करने के लिए उनको 4 से 5 मिनट लगते थे, वो भी पेड टूल्स में ना, उनके भी टूल्स होते थे, हंटर आईओ है, hunter.io, वहां से देखे तो आपको 50 ईमेल्स जो है वो $10 में, $10 में आपको 50 ईमेल देता है वो हंट करके ना, hunter.io। और अब देखें आप लोग कितनी ज्यादा ईमेल जनरेट कर सकते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको बताने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके टीचर ने खुद आपको बता दिया। वो सेकंड चीज ये हो जाती है कि आपने ये जो ईमेल प्रोवाइड करनी है, इंश्योर होना चाहिए कि आपकी ये जो ईमेल्स हैं ये वेरीफाइड है। तो सर उसके लिए आपके टीचर ने आपको अलग से वो समझाया कि आप अपनी ईमेल्स को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। दो चीजें हो गई। रही बात फोन नंबर्स की, तो आपके पास अगले बंदे का डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है, थिंक अबाउट इट,
जो लीड जनरेशन जो दे रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और कंपनी नेम एक्स वाई जी, जिस नाम से भी, लेट्स सपोज फ्लावर डेंटल सर्विस प्रोवाइडर या जो भी है डेंटल क्लिनिक, वो उसका बिजनेस नेम होगा और उसका वेबसाइट का यूआरएल नेम होगा, जो भी है यूआरएल जो है ना, वो वहां पे लिंक है, उसको पेस्ट किया जाता है। लेकिन आपके पास क्या है, आप लोग तो डायरेक्ट अथॉरिटी का उसको व्हाट्सएप नंबर, दूसरा नंबर भी नहीं, व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर पर्सनली यूज होता है, ठीक है। खुद देखिए कि एक अथॉरिटी को आप डायरेक्ट जाके, आप दरवाजा नॉक नहीं कर रहे, बल्कि आप किसी के बेडरूम में उसके हाथ में जाके उसके दिमाग से होते हुए उसको एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। वो आपके पास, आप उसके पास नहीं जा रहे, बल्कि वो खुद आपको ढूंढ रहा है, क्यों? क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट यूज कर रहा है। अब आपने अप्रोच कैसे करना है उसको कि आप वो मोबाइल यूज करें, आप कैसे उस तक पहुंचते हैं, ये तरीकाकार आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग में थ्रू बूट मास्टर आपके टीचर ने आपको समझा दिया। तो ये प्लस पॉइंट और हाईली एडवांस लेवल है लीड जनरेशन के अंदर आपके टीचर का, जो आपने, उन्होंने आपको बता दिया है। अब लीड जनरेशन सारी की सारी एक तरफ, अगर आप $10 में मतलब 100 लीड्स देते हैं तो क्लाइंट आपसे लेगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम में। अच्छा, वो भी अगर आप बैठते हैं फाइबर के ऊपर, तो 15 दिन बैठे, 20 दिन बैठे, 1 महीना बैठे, आप बड़े एक्सपर्ट हैं, जब तक कोई व्यूज मतलब क्लिक नहीं आएगा, अल्लाह तवक्कल, कोई आ गया ठीक है, नहीं तो न्यूबी को कोई भी काम नहीं देता जब तक उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। अच्छा, अब आपके पास ये सॉफ्टवेयर्स हैं, आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। अब मैं इस सारी चीज को क्लोज करने लगा हूं, आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, इसमें दो तीन चीजें और देखें। ये टेली मार्केटिंग है, टेली मार्केटिंग ये जो कॉल सेंटर्स हैं उन उनसे मंसूब होती है। ये सर्च इंजन मार्केटिंग, ये SEM होता है, ये गूगल एड्स के हवाले से होता है। ये देखिए जी, ईमेल मार्केटिंग, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये जो ईमेल मार्केटिंग है ये किस बेस पे होती है, ये ईमेल मार्केटिंग ईमेल्स की बेस पे होती है। अगर किसी के पास ईमेल का डाटा नहीं है ना, बिजनेस के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो क्लाइंट, वो कस्टमर का डाटा होता है। जो बेस होती है ना बिजनेस की, वो क्लाइंट की डाटा, क्लाइंट की डाटा बेस पे होता है बिजनेस। कभी भी बिजनेस ब्लाइंडली नहीं होता, जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट कर लें, लेकिन अगर आपकी टारगेट ऑडियंस, आपकी मार्केट आपके पास नहीं है ना, तो आप रुल जाएंगे। लेकिन जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको आपकी मार्केट का आइडिया होगा ना, अंदाजा होगा कि हमने इस मार्केट को टच करना है, तो आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, ये 5-7 चीजें, ये टेली मार्केटिंग, ये है मोबाइल नंबर्स, ठीक है जी। अब आपके टीचर ने आपको ये भी बता दिया होगा कि आप लोग नंबर्स किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। एक नंबर नहीं कर सकते, आपके पास 2-3 ऐसे सॉफ्टवेयर उन्होंने बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ से आप नंबर बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से आप नंबर जनरेट कर सकते हैं। और आप मतलब बड़ी पावरफुल अथॉरिटी बन चुके हैं, क्योंकि आप गूगल से वो डाटा ले रहे हैं, और गूगल के पास जो डाटा है वो बंदा खुद पुट करता है, एक चीज। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, ईमेल भी आपको पता चल जाएगा जी SEO की है या किसी भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी की है। तो ये देखिए, ईमेल मार्केटिंग हो गई, ये जो मोबाइल नंबर का डाटा है, या जो लीड जनरेशन है जिसके अंदर सारी चीजें हैं, वो सर ने एक सॉफ्टवेयर में आपको क्लास भी दी हुई है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी है वो सारी चीजें उसमें है, वेबसाइट URL, ये वो हर चीज है। तो देखें, ऐसे इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपको आइडिया है, वो भी आप सीख जाएंगे। अदर डिजिटल मार्केटिंग, इनमें से सिर्फ किसी एक चीज को उठा लें आप, किसी एक चीज को। मैं अब स्टार्ट करता हूँ जीरो से। अगर आप सिर्फ पोस्ट डिजाइन कर लें कि आप किसी की भी मतलब जो है सोशल मीडिया के लिए पोस्ट डिजाइन कर दिया करेंगे, वो आप उसको $5 या $10 कर दें, कि आप मतलब पर डे के हिसाब से, मतलब जितने भी उसकी सोशल साइट्स हैं उनकी, वो आप उसको पोस्ट डिजाइन करके दे दिया करेंगे। उसके लिए आपको पोर्टफोलियो चाहिए, तो आप कोशिश ये करें कि डेली कोई 5 से 10 जो है ना वो करें, डिजाइन बनाते रहें, उसको अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड करते जाएं, ठीक है। अब लीड जनरेशन है, लीड जनरेशन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि लीड जनरेशन होती क्या है। अच्छा, आपको लोगों की तरह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, वहां पे 5 मिनट लगा के वो बंदा एक लीड जनरेट कर रहा है, यहाँ पे आप 5 सेकंड के अंदर 500 लीड जनरेट कर सकते हैं, वर्ड समझिए। और बड़े मतलब वहां पे मैनुअली जब आप कर रहे हैं तो आपसे मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली
AI थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसके बैकएंड पे ये AI होते हैं, डेवलपर्स जो बैठे होते हैं ये AI की मदद ले रहे होते हैं। लीड जनरेट आप कर सकते हैं, टेलीमार्केटिंग के लिए आप लोगों को मोबाइल नंबर्स दे सकते हैं। अब सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट है वो भी मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं रहेगी। ईमेल मार्केटिंग है, आपके पास ईमेल का डाटा है, मार्केट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट उसने तब करनी है जब उसके पास डाटा है। आप ईमेल का डाटा खाली किसी को प्रोवाइड करना शुरू कर देना तो उसमें भी आप जो है ना महाना अच्छे डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। अब करना कैसे है, हम लोग करेंगे क्या, आप लोग किसी एक चीज को चूज कर लें, ये मैं आपको टिप भी दे रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ। किसी एक चीज को आप चूज कर लें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मैं सिर्फ और सिर्फ कॉल सेंटर्स को, आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, आप समझ लें कि आपने सिर्फ कॉल सेंटर को देखना है कि जी मैं कॉल सेंटर को डाटा प्रोवाइड करूंगा। आप क्या करें, आपके लिए सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, आपको ट्रैक बता रहा हूँ, उंगली पकड़ कर चलना सिखा रहा हूँ, आगे भागना चलना दौड़ना बैठना लेटना रींगते हुए जाना वो आपकी हेडेक है, ठीक है, क्योंकि आपके सर ने आपको टूल चलाना सिखा दिया है। आप ये करें कि लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर या किसी भी एक सिटी को या मतलब किसी एक रीजन को या स्टेट को, पूरे कंट्री को भी आप कर सकते हैं कि उनके जो है कॉल सेंटर का डाटा, जो जिस तरह से गूगल पे सर आपको बताते हैं कि आप कैसे डाटा निकाल सकते हैं, सारे कॉल सेंटर्स का लोकली बता रहा हूँ पहले मैं आपको, फिर इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाता हूँ। लोकल आप सारे कॉल सेंटर्स का डाटा इकट्ठा कर लें, आपके पास सारे कॉल सेंटर्स का डाटा इकट्ठा हो गया, आपने उसको एक्सेल शीट के अंदर सेव कर लिया। अब आप क्या करते हैं, नेक्स्ट डे आप एक अच्छा सा मैसेज लिखते हैं, अट्रैक्टिव मैसेज लिखते हैं जिसकी एक कॉपी राइटिंग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जाएं चैट जीपीटी पे, सर चैट जीपीटी पे जाते हैं आप, जिस तरह का चाहे एडवांस लेवल की कॉपी राइटिंग ले सकते हैं, जिस तरह की चाहे एडवांस लेवल की आप एड्स की राइटिंग ले सकते हैं। हम मतलब हमारी सोच से बहुत ज्यादा आगे जो है ना चैट जीपीटी काम करता है और हम उसको पे भी नहीं करते, ठीक है। तो आप कोई बेहतरीन सा वो मार्केटिंग के हवाले से आप वहां पे सर्च कर सकते हैं कि व्हाट्सएप मार्केटिंग अट्रैक्टिव एड, वो कुछ भी आप इस तरह से ऐसे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, ये चैट जीपीटी का लिंक सेंड कर देंगे आप? देखिए आप चैट जीपीटी को वैसे ही अगर सर्च कर लेंगे ना तो वो आपको वैसे ही शो हो जाएगी चैट जीपीटी, ठीक है। गूगल पे जाएं, जी सर, जी गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके लिखे चैट जीपीटी, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसको सर्च करेंगे तो वेरी फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी वो चैट जीपीटी होगी। वहां पे जाके आपने सिर्फ साइन अप करना है, साइन अप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आई थिंक, और ईमेल आईडी आपने वहां पे पुट करनी है और अपना पासवर्ड पुट करना है और आपका वो चैट जीपीटी वो ओपन हो जाता है। अच्छा, स्टार्ट में इन्होंने बिल्कुल फ्री किया था, अब इन्होंने पेड भी किया और फ्री भी, और पेड लेने की जरूरत नहीं, वो बड़ा एडवांस लेवल है और फ्री वाला ही वर्जन आप चलाएं, बड़ी मजेदार चीज है। अच्छा, उसके अंदर जी आप बना सर, थैंक सकते यू हैं, सर। जी शुक्रिया। अच्छा, अब आपने जितने भी लाहौर के या पाकिस्तान के या पंजाब के कॉल सेंटर था सबके पास, सबका आपके पास डाटा आ गया, आपने वो डाटा कलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने थ्रू व्हाट्सएप आपने उसकी मार्केटिंग करनी है, क्योंकि वो आपके जो है टीचर ने आपको गाइड कर दिया है। आपने जनाब एक अच्छा सा मैसेज बनाना है, एक अच्छी सी इमेज बनानी है, अगर तो आप वीडियो डिजाइन कर सकते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि वीडियो बड़ी अट्रैक्टिव होती है, हर आंख जो है ना वो वीडियो को पसंद करती है। उसके बाद थोड़ा सा मतलब जरा कम लेवल आ जाए तो इमेज को। अच्छा, आप अगर सिर्फ टेक्स्ट भी अच्छे से लिख देते हैं ना तो आपका क्लाइंट वैसे ही फिदा हो जाता है आप पे, सिर्फ आपके लिखने का आपको फन आना चाहिए। एक अच्छा सा मैसेज करें, उनको इंग्लिश में कर दें, उर्दू में कर दें, कि आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरनेशनल डाटा ना, तो आप उसकी मार्केट करें। मेरा ख्याल है कि एक दिन में अगर आपने कोई 1-2 घंटे मार्केट कर दिया ना सिर्फ एज ए डाटा प्रोवाइडर फॉर टेली मार्केटिंग, तो आपको क्लाइंट्स आपके खुद ही इन टच करते हैं। आपको पता है कितनी कितनी अमाउंट में ये सेल हो रहा है, किसी को नहीं पता, और आप उनको अपडेटेड डाटा दे रहे हैं। उसमें थोड़ा सा उनके लिए वैल्यूएबल कर दें कि अगर वो उतनी अमाउंट के अंदर कोई 10,000 दे रहा है तो आप मतलब 11,000 दे दें, 1,000 आप एक्स्ट्रा दे दें,
वो भी खुश हो जाएगा। और उसको कहें कि अगर आपको जैसे ही ये फील होता है कि ये मतलब डाटा अपडेटेड नहीं है, तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह मजीद आपके साथ जो भी हो सका मैं फेवर करूंगा। सर आपकी क्लाइंटेज बन जाती है। अच्छा, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात की है, अब आप क्या करें, अब आपके लिए देखे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चाइना है, आप चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में। आप चाइना के जो सिटीज हैं, खाली चाइना को आप सर्च कर लें, उसकी वो जो है टेली मार्केटिंग वाली जो फील्ड है, उनके जो कॉल सेंटर्स है, आप उनको टारगेट कर लें, उनको मैसेज डिलीवर करते हैं। आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, डाटा आपके पास आ जाएगा, उसको व्हाट्सएप में लें, उसकी वो पूरी एक एंट्री करें, उनको मैसेज कर दें। एक बंदा चाइना को पकड़ ले, और एक बंदा जो इसी तरह यूएसए को पकड़ ले, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, यूएसए को पकड़ ले, एक बंदा जो है वो इंडिया को पकड़ ले, इंडिया हमारी तरह हम जुबान है। अगर आप लोग सिर्फ एक एक कंट्री के सिर्फ और सिर्फ ये कॉल सेंटर्स को डाटा प्रोवाइड करो, थोड़ा सा काम करके तो देखें। मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 दिन अगर आप ये मैसेज अगर लगातार भेज रहे हैं तो आपको कोई रिस्पॉन्स ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, रिस्पॉन्स आएगा, एक चीज। उसके बाद दूसरी चीज, आप ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप उनको ईमेल की वो ऑफर दे सकते हैं कि मैं आपको ईमेल का डाटा प्रोवाइड कर सकता हूँ, अथेंटिक और अपडेटेड, ठीक है, एसईओस का या एमडीस का या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का, दो चीजें। तीसरा आप ऑफर दे सकते हैं कि सर मैं आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग या मैनेजमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या एसईओ आप सीखेंगे तो आप उनको ऑफर दे सकते होंगे कि मैं आपकी वेबसाइट की एसईओ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपके यूट्यूब चैनल की एसईओ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। भाई आप 10,000 बंदे को अगर अप्रोच कर रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एक भी नहीं आपसे बात करेगा। मैं आपको स्टार्ट से यही कहता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें, थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें। अगर आप मतलब ये जो है लोगो डिजाइन को देख लें, तो जितने भी लोगोस हैं मार्केट में देख लें प्रोफेशनली किस तरह के लोगोस हैं, कोशिश करें कि उस लेवल के 3D हैं या मतलब सिंपल हैं उस लेवल के लोगो बनाएं, 10, 15, 20। अब आपके पास ये व्हाट्सएप, ये कैनवा प्रो आ गया है, डेली बेस पे जितने बना रहे हैं उसको अपने पोर्टफोलियो में ले जाएं, डिजाइन बनाएं, ये जो पोस्ट डिजाइन फेसबुक पोस्ट डिजाइन होता है, इंस्टा पोस्ट डिजाइन होता है, उनका पोर्टफोलियो बनाते जाएं, ठीक है। ट्राई मेक्स परफेक्ट, जब आपका पास पोर्टफोलियो आ जाएगा फिर जब आप किसी को अप्रोच करते हैं ना, कोई आपसे पूछता है सर मुझे मतलब पोर्टफोलियो अपना दिखाएं, तो आप उनको पोर्टफोलियो दिखा तो सके ना। अगर कोई बंदा आपके पास ये देखें, आप एसईओ कर सकते होंगे, आप यूट्यूब की एसईओ कर सकते होंगे, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते होंगे, आप अदर डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज जो है वो व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते होंगे, आप लोगों को लीड जनरेशन, लोगों के लिए लीड को जनरेट कर सकते होंगे, आप टेली मार्केटिंग को नंबर्स प्रोवाइड कर सकते होंगे, आप उनको एक्चुअल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर सकते होंगे, ईमेल मार्केटिंग के लिए आप उनको ईमेल का डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। वो अल्लाह के वलियो, सिर्फ आप दो डेटास पे काम कर लो ना, सिर्फ ये फोन नंबर्स के डेटास पे, ये जो आपने टारगेट करना है कॉल सेंटर्स को, और ईमेल के डेटास पे, तो आपकी सोच से कहीं ज्यादा 100 टाइम मल्टीप्लाई आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है। सिर्फ आप इसको देखें तो सही, लोकली करें, लोकल के बाद आप इसको इंटरनेशनल टारगेट करें, चाइना कर लें, यूएई कर लें, गल्फ कर लें, यूके कर लें, यूएसए कर लें, ऑस्ट्रेलिया कर लें, कनाडा कर लें, कहीं करके तो देखें। फिर इसके दौरान अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, तो आपके सीनियर्स बैठे हैं, आप उनके साथ शेयर कर लें कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई काम नहीं मिलेगा। सर अगर आपने 10,000 लोगों को अप्रोच किया है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तो उनमें से कम अज कम 10 मेरे जैसे बेवकूफ भी बैठे होते हैं जो इम्प्रेस हो जाते हैं कि नहीं जी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए, ये बंदा अगर मेरी प्रोडक्ट को किसी बंदे के रूम में उसके हाथ के ऊपर मेरी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है, मेरे लिए सेल्स जनरेट कर सकता है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज ये, आप अगर लोकली भी देखें तो लोकली भी 2 रुपए का एक मैसेज है, 10,000 लोगों को अगर आप मैसेज भेजते हैं तो मल्टीप्लाई कर लें कितना हो जाता है। तो आप इस चीज को देखिए कि भाई हर बंदे के लिए बहुत सारी चीजें न्यू हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए चैट जीपीटी बहुत न्यू है। मतलब अब देखें इनके अंदर ये जितनी भी स्किल्स हैं, आप इन स्किल्स को एक मरतबा देखें, इनके अंदर अकाउंटिंग भी आ रही है, ये सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा ये देखें, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ रही है, वीडियो एडिटिंग भी आ रही है, ये काफी सारी चीजें हैं। कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग का नाम तक नहीं लिया गया इसमें।
इवन कि एक वो टाइम था कंटेंट राइटर्स को जो है ना लोग हाथों पे उठाते थे, अब नाम नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि एआई टूल्स बहुत काम कर रहे हैं, वो एडवांस लेवल का काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस बारे में सोचिए कि एक तो आप डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर कहलवाते हैं, एसईओ इंशाल्लाह आप लोगों ने सीख लेनी है, यूट्यूब एसईओ आप लोगों ने सीख लेनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको आती है मजीद इंशाल्लाह 1-1.5 घंटे में मैं ये सारी चीजें आपको इनकी जो टेक्निकल चीजें हैं जो बहुत ज्यादा वर्थी हैं, जो ऑडियंस को इंगेज करने के लिए होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एक ही सेशन में। और अदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी मतलब काफी चीजें हैं, आप सिर्फ उसको एसएमएस मार्केटिंग को देख लें लोकली, और इंटरनेशनली या लोकली देखें तो व्हाट्सएप मार्केटिंग को देख लें, लीड जनरेशन हो गई, और लीड जनरेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या चीज होती है, उसके अलावा टेली मार्केटिंग हो गई, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट का चलें अगर आइडिया नहीं, कुछ चीजें मतलब डेप्थ में समझ आती हैं कि ये डेवलपमेंट होती किस तरह से है ना, वैसे तो आसानी से अगर कोई फील्ड में हो तो उसे ये भी समझ आ जाती है कि बिजनेस डेवलपमेंट है क्या, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन किस तरह करते हैं, किस तरह होती है। तो टेली मार्केटिंग है, टेली मार्केटिंग की जो जान है, जो बेस है, जो इसका असल एसिट है, वो होता ही मोबाइल नंबर्स हैं, कि लोगों ने वहां पे अप्रोच करना है, किसी के पास मोबाइल नहीं होगा, देखिए इनको कमीशन मिलता है। अगर कोई यूरोपियन ने किसी के साथ किसी कॉल सेंटर के साथ रابطہ किया ना, तो वो उनको परसेंटेज देते हैं कि ये अगर आप मेरी इतनी सेल्स या इतनी सर्विस मेरे लिए लाएंगे तो मैं आपको इतने परसेंट दूंगा। तो वो नंबर टू नंबर वेरी करता है, नंबर टू नंबर अगर वो लोगों को अप्रोच करे तो फिर जाके वो मतलब उनकी वो जो कमीशन बनती है। तो भाई आप तो उन लोगों को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग का भी यही है कि आप डायरेक्ट देखो जितने भी सीईओस हैं या जो अथॉरिटीज है ना, एक तो वो व्हाट्सएप मार्केटिंग व्हाट्सएप को नहीं छोड़ते, दूसरा वो अपनी ईमेल्स को नहीं, वो मोबाइल के मैसेजेस को छोड़ते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के मैसेजेस और ईमेल प्रोफेशनली लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं ईमेल्स को। तो ये तीन चार चीजें हैं, अगर आप इन्हीं को देख लो, मैं दो चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं कि सिर्फ आप मोबाइल ये नंबर्स डाटा या व्हाट्सएप पे मार्केटिंग का, अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि आप जब व्हाट्सएप पे मार्केट कर रहे हो सारी चीजें भी अगर छोड़ दो, सिर्फ व्हाट्सएप मार्केटिंग की वर्थ को देख लो, कि जब आप मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप के ऊपर तो आप उसको यही कहते हो कि सर मैं आपका मैसेज, आपके मैसेजेस भी आपके लिए सेल जनरेट कर सकता हूँ, या आपके ब्रांड को प्रमोट कर सकता हूँ, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकता हूँ, आपके ब्लॉग के लिए मैं मतलब ट्रैफिक ला सकता हूँ। तो वो जब उसको ये पता कि यार ये बंदा मेरे इनबॉक्स में आ सकता है, तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है, आप सिर्फ व्हाट्सएप मार्केटिंग कर लें तो वही मतलब नहीं आपसे संभाली जाएगी। वो होगी कैसे, आप मतलब $0.10, $0.10 पर मैसेज चार्ज कर सकते हैं, $0.20 पर मैसेज चार्ज कर सकते हैं, जाकर देखिए तो सही, फाइवर पे देखिए व्हाट्सएप मार्केटिंग का किस तरह से चल रहा है, क्या चार्ज कर रहे हैं वो। आगे इसकी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, वो आपके सर आपको बताएंगे कि अगर नंबर ब्लॉक हो रहा है या मैसेज नहीं चल रहा है या किसी को कोई ऐसी चीज कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो अपने सर से रब्ता करे। इसमें अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ सकता है कि आपको बिजनेस आइडिया नहीं मिला, आप लोगों ने बिजनेस करना कैसे है, अपनी अर्निंग कैसे जनरेट करनी है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको और सिंपली एक दो जुमला में मैं आप बता दूंगा आप लोग को, क्योंकि बेसिक चीजें तो मैंने आपको बता दी कि वर्थ कितनी है इन चीजों की, और आप लोग कैसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। जब आप मतलब हर बंदे को डायरेक्ट अप्रोच कर लेंगे तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि आपको बिजनेस मिलेगा नहीं, 10,000 बंदों में से 10 बंदे भी तो आपको अप्रोच कर सकते हैं ना। तो इन ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, आप इनकी वर्थ को जानिए, आप चाहें तो अपनी मार्केट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो आप अपनी सर्विस को मार्केट कर सकते हैं, आपको सर्विस का आइडिया नहीं है हालांकि आपको अच्छा खासा आपकी वर्थ आप वर्थ है आपकी, लेकिन आपको अपनी वर्थ का पता नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह से एग्जाम्पल है कि अगर हाथी को पता चल जाए ना मेरे अंदर ताकत कितनी है तो शेर जंगल का बादशाह ना रहे। ठीक है, आप अपनी ताकत को देखिए, आपके पास टूल्स कैसे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपको उस चीज का आइडिया है ही नहीं। ठीक, अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं है तो आप सिर्फ अपनी इस सर्विस को मार्केट करें कि यार मैं व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं उसको कह दें मैं व्हाट्सएप पे तुम्हारी मार्केट कर सकता हूँ। ठीक है, आप उसको कह दें मैं तुम्हें डाटा प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ईमेल डाटा प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सेल्स जनरेट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ट्रैफिक जनरेट ला सकता हूँ तुम्हारी वेबसाइट पे, तुम्हें क्लिक्स दिलवा सकता हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए लीड जनरेट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लूंगा, जो तुम्हारे ये सोशल मीडिया चैनल्स हैं प्लेटफॉर्म है मैं उसकी मैनेजमेंट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी वेबसाइट की एसईओ कर सकता हूँ।
कुछ भी आप कर सकते हैं, शर्त ये है कि आपको पता हो कि आप कर क्या सकते हैं। जब तक आप खुद कच्चे पाँव पे कच्ची जगह पे पाँव रखेंगे ना, तो आप स्लिप हो जाएंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको मतलब रिटर्न में करें कि मैंने करना ये है, उसको डिफाइन करें, मैंने ये करना है, करना किस तरह से है, फिर ये करें, विजन रखें, विजन के बाद उसके बाद अपना टारगेट सेट करें, टारगेट के बाद आप छोटे छोटे गोल सेट करें, छोटे छोटे गोल्स के बाद आप स्टार्टअप सेट करें, मैंने स्टार्टअप यहाँ से लेना है, फिर मेरा ये गोल है, इस गोल के बाद मेरा ये गोल है, देन मेरा ये गोल है, फिर ये मेरा टारगेट है, और फिर लास्ट तक आप अपने विजन को टच कर लेते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ आई कि आप लोगों ने करना कैसे है, कमाना कैसे है, जो सॉफ्टवेयर्स आपको मिल गए हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे पैसा कमाना है, समझ आ गई है, वेल एंड गुड, नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छी समझ आ गई। इनफैक्ट बहुत आइडियाज मिले हैं। थैंक्स अगेन। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, आप सिर्फ किसी एक कंट्री को देख लें और 3 मैसेज कर दें और बारी बारी करें, किसी एक कंट्री को चूज कर लें, पाकिस्तान को कर लें, इंडिया को कर लें, चाइना को कर लें, स्टार्ट स्टार्ट में मतलब मैं बताता हूँ कि दुनिया के जो 5 बड़े मुल्क हैं, पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है, सबसे पहले भी आता है चाइना, दूसरे नंबर पे आता है यूएसए, तीसरे पे आता है इंडिया, चौथे पे आता है इंडोनेशिया, पांचवे पे आता है पाकिस्तान, छठे पे आता है ब्राजील। और भाई आपके पास पूरा यूरोप भी पड़ा है, आप किसी एक कंट्री को देख लें, उसको टारगेट कर लें कि यार अच्छा मैंने इसको टारगेट करना है, एक अच्छा सा खूबसूरत सा, पहले उर्दू में तहरीर, इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, उर्दू में सोना सा एक मैसेज तहरीर करें, उसको थोड़ा सा मेकअप करना है, ट्रांसलेट उर्दू उर्दू इंटू इंग्लिश कर दें, यहाँ कोई भी एक्सपर्ट होगा इंग्लिश में, उसको कहें यार ये मेरा जो है ना उर्दू में इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे मैसेज, वो मैसेज हो गए, खूबसूरत सी तस्वीर बनाए, इमेज की अच्छी डिस्क्रिप्शन हो उसकी, या अगर एड बना लें तो दैट वेल एंड गुड, और उसके बाद जनाब अल्लाह का नाम लें और अपनी व्हाट्सएप कैंपेन स्टार्ट कर लें, सिर्फ व्हाट्सएप कैंपेन के मैसेज कर दें कि मैं थ्रू व्हाट्सएप आपकी मार्केट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अच्छा वो आपके लिए मुश्किल है तो आप सिर्फ उनके लिए लीड जनरेशन की आप उनको ऑफर दे सकते हैं, वो आपके लिए रॉकेट साइंस है, आप उनको कह सकते हैं कि मैं आपके लिए ईमेल डाटा जनरेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपडेटेड, अच्छा आप वो नहीं कर सकते, आप उनको मोबाइल नंबर्स दे सकते हैं कि जी आई विल प्रोवाइड यू फोन नंबर फलां कंट्री के, अच्छा उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि हर कैटेगरी के, हर कंट्री के अंदर, स्टेट के, स्टेट के अंदर रीजन के, आप चीजों को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा खोल के रख दें, उनको बता दें कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी डाटा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी एक चीज को पकड़ लें तो 2 3 4 दिन के अंदर आपको काम ना मिले, डॉलर्स में अर्निंग है भाई, छोड़ दें पीकेआर को यार, एज ए नेशन इस वक्त हम हालत जंग में है, हमें डॉलर्स चाहिए, जंप करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैट्रिक पढ़ी बच्चियां वो माशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत दे उनको, वो फाइवर पे अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन अब फाइवर पे स्कोप उस तरह से नहीं है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अपवर्क थोड़ा सा एडवांस लेवल और गुरु की तो आप बात ही छोड़ दें, ठीक है, तो जब आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है ना, तो मेरे बहन भाइयों अल्लाह का नाम लें और छा जाएं जी। किसी का कोई सवाल है तो बताएं, ना समझ आए अभी तो पूछ सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर लीड जनरेट का जो है ना मुझे पता है, फिर भी थोड़ा सा एक दफा दोबारा बता दें। जेन नशीन सारा कुछ आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत अच्छा गाइड किया है, और भैया वो ये लीड, इसका जी मैं बताता हूँ कहना भैया। मैं जो है ना लकीर का फकीर हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं, हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा समझाया है, सारे निशान सर बिल्कुल ने भी बताया, दूसरे जो भी हैं हमारे सर लगते हैं, टीचर लगते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, आपने कमाल कर दिया है। जजाकअल्लाह जी, आपके सारे टीचर ही बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अच्छा लीड जनरेशन सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं, लीड आपके मोबाइल नंबर से स्टार्ट होती है। एक्चुअल में लीड जनरेशन के हर बंदे की अपनी डिमांड है। एक बंदा कहता है यार मैंने बर्गर खाना है, ठीक है, अच्छा दूसरा कहता है यार मैंने चिकन बर्गर खाना है, तीसरा कहता है मैंने चिकन मायोनीज बर्गर खाना है, चौथा कहता है मैंने जिंगर विद मायोनीज खाना है, अच्छा उसके साथ वो अपनी डिफरेंट चीजें बता रहा होता है। लगी तो भूख है, किसी को चस्का है, लेकिन खाना उन्होंने बर्गर ही है। ये देसी सी एग्जाम्पल इसलिए कोट कर किया है कि आपको समझ आ जाए। इसी तरह एक बंदे को सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए, अच्छा एक बंदा कहता है यार मैं उसी बंदे को मोबाइल पे भी टारगेट करूं और उसी बंदे को मैं
ईमेल पे भी टारगेट करूं। अच्छा, उसको मोबाइल के साथ प्लस ईमेल आईडी भी चाहिए। अच्छा, एक बंदा कहता है कि यार मैं पहले उसके बारे में जानूं कि ये बंदा एक्चुअल में कर क्या रहा है, ताकि मैं उसको मतलब मेंटली उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड कर सकूं। मैं पहले उसको उसकी प्रोडक्ट या उसकी सर्विस का हवाला दूं। अच्छा, वो उसकी वेबसाइट का लिंक भी ले लेता है। तीन चीजें हो गई। चौथा बंदा उसका उसका एड्रेस भी ले देता है कि उसको थ्रू जो है ना वो जो TCS या कार्गो, इस तरह से भी कुछ लोग जो है ना मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ कोई विजिट भी करना चाह रहा होता है, वो लेटर भेज देते हैं इस तरह से। अच्छा, कुछ बंदे कहते हैं यार मैं बाय नेम इसको टारगेट करना चाह रहा हूँ। तो वो बाय नेम मतलब एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ, किधर गई जी, मैंने आपके लिए निकाला था, और डेस्कटॉप मैंने ये दिखाया था ताकि मैं आप लोग को ना दिखा सकूं क्लास में। मुझे पता था ये होगा। ये देखें जी, सबसे पहले ये सबसे एडवांस लेवल बता रहा हूं मैं, किसी को कंपनी नेम भी चाहिए। अच्छा जी, मैं मतलब वो छाजामाजा.com, मतलब जिसने KFC, ये कंपनी नेम है, ठीक है, उसने यहाँ पे KFC लिख दिया। अब लोकल भी एक KFC है जिसका है काका फूड कॉर्नर, ठीक है, वो KFC, ये कंपनी नेम है। कंपनी डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट के ऊपर कंपनी की डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, वो आपको इजीली पता मिल जाती है। कैटेगरी, ये कंपनी है किस कैटेगरी की, आया के फास्ट फूड की है, पाकिस्तानी की है, चाइनीज है, कॉन्टिनेंटल है, बारबेक्यू है, ठीक है, ये कैटेगरी है। फुल एड्रेस, फुल एड्रेस भी वहाँ पे मेंशन होता है। जब भी आप किसी की वेबसाइट खोलते हैं उसके अबाउट सेक्शन में जाते हैं, अबाउट अस के सेक्शन में या कॉन्टेक्ट अस के सेक्शन में, तो वो उसका जो है ना एड्रेस वहां पे मेंशन होता है, कंपनी ऑफिस का। वेबसाइट का यूआरएल, वो जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके ये जो एक मिनट, यूआरएल इसे बोलते हैं कि अगर लेट्स सपोज मैंने ये वेबसाइट खोली हुई है ना, तो इसके ऊपर ये जो है ना ये उसका यूआरएल होता है, ठीक है जी। तो ये इसे बोलते हैं वेबसाइट यूआरएल। फोन नंबर, फोन नंबर उन्होंने लिखा होता है, ये लोकल फोन नंबर की बात बता रहा हूँ मैं, ये मोबाइल नंबर नहीं होते, ये व्हाट्सएप नंबर नहीं होते, ये लीड जनरेशन जो वहां पे $5 में 150 या 200 लीड्स दे रहे हैं ना, ये मोबाइल नंबर नहीं होते, ये या लैंडलाइन नंबर होते हैं या जो भी नंबर पड़े होते हैं। अल्लाह के वैल्यू, आप लोग तो व्हाट्सएप नंबर डायरेक्ट ले सकते हैं। नेम ऑफ सीईओ, सीईओ का नेम कैसे पता चलता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंशाल्लाह ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीक में समझाऊंगा कि आप लोग सीईओ की सारी इंफॉर्मेशन कैसे ले लेते हैं। ये पेड टूल्स भी होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको दो टूल्स के एक्सटेंशन के जरिए आपको पेड टूल से ज्यादा एडवांस लेवल का ये मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से आपने करना है। अच्छा, फिर लिंक्डइन यूआरएल ऑफ सीईओ, ज्यादा लोग लिंक्डइन क्यों करते हैं, क्योंकि जितना भी बड़ा बिजनेसमैन है ना वो लिंक्डइन पे बैठा है, जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। फेसबुक पे तो मतलब हम जैसे ये वो जो है वो इस तरह के लोग हैं, लेकिन लिंक्डइन पे प्योर प्रोफेशनल बंदे होते हैं, तो उनकी वो जो यूआरएल होती है वो सीईओ की, या मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है यो, या जो ओनर है XYZ, जो भी है, जो जिसके पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है। फिर ईमेल ऑफ सीईओ, तो ये चीजें होती हैं लीड जनरेशन के अंदर, ये आपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी होती है, तो इसे बोलते हैं लीड जनरेशन। कोई खाली आपसे मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। हाँ, अगर मोबाइल नंबर चाहिए हो तो वो जनाब आपके पास, वो आपके सर ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वो जो क्लास दी थी सॉफ्टवेयर की, होपफुली आपको लीड जनरेशन की समझ आ गई होगी। टास्क ये है आप सब लोगों का, सब लोगों का टास्क ये है, देखिए मैं हमेशा आपसे यही बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, फिर कहूंगा, दो चीजें जहन में रखना, ट्राई मेक्स परफेक्ट, ट्राई मेक्स परफेक्ट, ट्राई मेक्स परफेक्ट। अगर आप किसी पत्थर को देखते हैं ना, वो मतलब उसको बड़ा डेकोरेट करके उन्होंने अलमारी में रखा होता है, तो लोग कहते हैं यार वाह वाह क्या खूबसूरत पत्थर है, बड़ा प्यारा मोल्ड हुआ पड़ा है, बड़ा गोल सा है, तो कभी पत्थर से पूछना कि वो गोल कैसे होगा, वो बताएगा कि इस गोल होने में ना, वो इस गोल होने में ना मुझे 100 नहीं 1000 ठोकरें खानी पड़ी हैं, ठीक है। तो ये जो गोल होना है ना, ये आपने ट्राइज की मद में गोल होना है। कुछ लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस ले लिए होंगे, कुछ लोग अभी, कुछ लोगों ने गोल होना है, कुछ लोगों का स्टार्टअप है, अल्लाह करीम सब पे अपना फजल करम करें। तो आप स्टार्ट में ट्राई करें, ट्राई करेंगे गलती होगी, फिर ट्राई करेंगे फिर गलती होगी। एक टाइम देखो, कामयाब वो नहीं होता जिसने, जो गिरा नहीं है, जो गिरता है संभलता है, गिरता संभलता है, वो ऐसा कामयाब होता है कि फिर दूसरे लोग उनकी एग्जाम्पल्स देते हैं।
ठीक है, इससे घबराना नहीं। नंबर वन वो मैंने आपको कोट कर दिया, ट्राई करें बार बार, ट्राई ट्राई ट्राई। दूसरी चीज जो है वो है रिसर्च वर्क। मैं आपको बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, एज ए डिजिटल मार्केटर आपको आपके कंपिटिटर्स का आइडिया होना चाहिए, आपको आपके क्लाइंट के कंपिटिटर्स का आइडिया होना चाहिए। सर ये जो रिसर्च वर्क है ना, ये आपकी बेस है किसी भी बिजनेस में, किसी भी सर्विस में। क्योंकि जब आपको आपको रिसर्च है ना आपके पास, आपको पता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में क्या चीज इन डिमांड है, तो आप इजीली अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं है, मतलब एक बंदा है उसका कंघी से कोई लेना देना नहीं, आप जाके उसको कह रहे हैं जी कंघी ले लो, कंघी ले लो, कंघी ले लो, वो नहीं लेगा क्योंकि उसके सर पे बाल ही नहीं है। ठीक है, तो आप उसको वो चीज सेल करो जो उसकी जरूरत है, उसको कहे भाई कैप लें, सर्दी है, आप सर्दी से बच जाएंगे। ठीक है, तो आप ये ना देखें कि अगर कोई कंघी सेल कर रहा है तो मैं भी कंघी सेल करूं, नहीं, आप मार्केट में फिरें। उसके लिए आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप वेबसाइट्स पे विजिट करें, वेबसाइट्स पे चेक करें कि यार कौन सी चीज का ज्यादा रुझान है, लोग किस चीज की तरफ फिर रहे हैं, लोगों का रुझान किस तरह से, उनका टेस्ट कैसा है, उनका माइंड कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आप मतलब अपनी जो प्रोडक्ट है आप बनाते हैं। तो रिसर्च वर्क आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप 50+ सक्सेस हो जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी सर्विस में। हम माशाल्लाह हम लोग रिसर्च करते ही नहीं है, आपको मतलब असाइनमेंट्स मिली हैं किसी की भी, फ्रेंकली मैं मतलब आप लोग मेरे बहन भाइयों की तरह, मैं आप लोग को मतलब अप्रिशिएट करता रहा, तुम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं आपको ना मतलब हर्ट नहीं करना चाहता, हर्ट नहीं करना चाहता, मुझे तकलीफ होती है जब कोई हर्ट होता है ना। तो कोई भी मजेदार ऐसी किसी ने वीडियो नहीं बनाई या ऐसा कोई भी लोगो नहीं है जो कि बड़ा अट्रैक्टिव हो, जिसपे बंदा खुश हो कि नहीं यार ये बंदा मार्केट में उतरेगा तो छा जाएगा। कैसे होता है, आप लोगों को देखें, लोगों के पोर्टफोलियोज देखें, फेसबुक पे देखें, डिजाइन पे सर्च करें कि डिजाइन किस तरह की है। जब आप 100 चीजें देखते हैं ना, तो उनमें 100 चीजों का थोड़ा 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 भी आपके दिमाग में बनता चला जाता है ना, आपको कलर टोन का पता चल जाता है, कलर कलर कम्बिनेशन का पता चल जाता है, कलर स्कीम का पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि यार ये कैसा इम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब ये इमेज में डिस्क्रिप्शन किस तरह की होनी चाहिए। थोड़ा 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 कहीं कहीं उठाते 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 आपकी झोली भर जाती है। ठीक है, वो एक एक दो दो भी पत्थर उठाते रहेंगे ना, तो एक वक्त आएगा कि आप अच्छा खासा वजन समेट लेंगे आप। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप पत्थर को पत्थर ही समझे, कभी कभार पाँव में लगने वाला हीरा भी होता है, हर चीज पत्थर नहीं होती। तो देख लिया करें कि चुभी क्या चीज है, तो एक्सपीरियंस लें, उसका बहुत फायदा होता है। रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, रिसर्च करें, देन उस पर ट्राई करें, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, अल्लाह सबके है ना, अल्लाह अगर उनको भी अता करते हैं जो साहिब ईमान नहीं है, तो हम तो फिर भी उनके बंदे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान है, तो इनशाला हमारी बारी भी आएगी। तो होपफुली ये 2-3 चीजें जो मैंने आपके गोश गुजार की हैं आपको समझ आ गई होंगी। इनशाला इन डिटेल हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को एक ही दिन में कंप्लीट करेंगे। बेसिक्स पढ़ाऊंगा, उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, उसकी टेक्निक्स बताऊंगा एक दिन के अंदर, फेसबुक पे ओवरऑल समझाऊंगा, तो बाकी के जो सोशल चैनल्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, और बाकी फिर अल्लाह का नाम लेके इनशाला उसको स्टार्ट करेंगे, सीईओ को, एसईओ को, सॉरी एसईओ को या यूट्यूब एसईओ को। सर मैं एक मेंशन करना चाहूंगा, जी एक चीज मेंशन करना चाहूंगा सर। वो मैं कैनवा पे वर्क करना चाह रहा हूँ, तो जी हम ठीक है जैसे कि अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं व्हाट्सएप पे डायरेक्टली नंबर्स जनरेट करके, कि जी। मैं ये कर सकता हूँ और ये भाई आप कर मेरा। सकते हैं भाई, प्यारे भाई ये कर सकते हैं, वो सारी रात रोंदी रही, सवेरे पता चले जी मरिया कोई भी नहीं। और बात ये मैंने स्टार्ट में यही आपको प्यारे भाई गाइड किया था कि आप लोग कुछ भी स्टार्ट करना कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। आपने शायद गालबन मुझे इनबॉक्स भी किया होगा कोई वीडियो, आप भी थे ना, जी सर ऐड मैं आपने जी, तो मैंने आपको कुछ गाइड किया है। वो नहीं बनता तो भाई दोबारा मुझे तंग करो कि यार मुझसे नहीं बन रहा, वो नहीं बनता फिर मुझे तंग करो नहीं बनता। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो चीज। देखिए मैंने आपको मतलब हर्ट नहीं किया, लेकिन मैंने को आपको बताया कि भाई ये अट्रैक्टिव नहीं है, थोड़ा सा एडवांस चलो,
मतलब आपकी वो वीडियो चले तो अगले बंदे का वो फिदा हो जाए कि नहीं यार ये बंदा है, ये मेरी मतलब अच्छी मार्केट कर सकता है। आप क्या करें, आप सिर्फ 10 दिन अगर आप डिजाइनिंग का शौक रखते हैं, शौक है आता नहीं है डजेंट मैटर, शौक है तो आप कुछ भी कर लोगे, ठीक है। आप 8 से 10 दिन कैनवा पे काम करें, करते रहें, लोगोस बनाएं, कुछ 100 150 200 लोगोस बना लें, उस फिर लोगों को देखें कि लोगों के लोगोस कैसे हैं, मेरे लोगोस कैसे हैं, फिर 3D लोगोस बना लें, वो देखें कि लोगों के लोगोस किस तरह के हैं, मेरे किस तरह के हैं। अपने काम में जब आप खुद गलती निकालना शुरू हो जाओगे तो तब आप चमक जाओगे, ठीक है। अपने आप को शाइन करें, पॉलिश करें, इसी तरह फिर आप वीडियोस पे चले जाएं। कैनवा को ही उठा लेना तो अल्लाह के बंदे, कैनवा 1000+ डॉलर जो है ना मंथली अर्निंग हो रही है, मैं कैनवा की बात कर रहा हूँ। और फाइवर पे, बल्कि आप फाइवर पे, मैं आपको यही बताने लगा था जो असाइनमेंट थी, रिसर्च वर्क था, फाइवर पे जाएं, ये जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की थी सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, देखें कि लोग कितने में गिग बनी है, कितने में ऑफर कर रहे हैं और कितनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, अपनी लीड जनरेशन को देखें कि लोग कितने में कितनी लीड ऑफर कर रहे हैं, फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग को देख लें कि लोग कितने में क्या ऑफर कर रहे हैं, फिर डिजाइन को देख लें, लोगो डिजाइन को देख लें, और कैनवा, लोग कहते हैं कैनवा डिजाइनर रही है, आप फाइवर के ऊपर कैनवा डिजाइनर लिख के सर्च कर लें, आप मतलब बंदे का दिमाग रोशन हो जाता है, जो बसीरत है ना उसमें नूर आ जाता है कि भाई लोग इस पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, लोग यहाँ से कमा भी रहे हैं, फिर उनकी आप गिग ओपन करते हैं, आपको पता है कि इतने ऑर्डर्स इन क्यों होंगे, ठीक है। तो अगर आप कैनवा को ही उठा के देख लें, मैं डे फर्स्ट ही मैंने आपको कैनवा की वर्थ भी बताता रहा हूँ कि यार कैनवा से लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। कैनवा पे अपने हाथ सेट करें तो उसके बाद आप डायरेक्टली अप्रोच करें व्हाट्सएप के, यार सिर्फ आप डिजाइनिंग की ऑफर करते रहे ना कि मैं आपके सोशल मीडिया के डिजाइन बनाता रहता हूँ, तो उसमें भी इंशाल्लाह आप अच्छा खासा कमा लेंगे। आप उनको पोर्टफोलियो शेयर करें, थोड़ी सी मतलब उनको वैल्यू दे दें कि सर मैं जो है ना स्टार्ट में, लेट्स सपोज मुझे कोई तकलीफ नहीं, स्टार्ट में कभी भी अर्निंग का ना सोचो, मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ, शुड बी योर कंसर्न लर्न 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 देन यू कैन अर्न। जब आप अपनी लर्निंग फेज में होते हो, कह रहे होते हो कि मैंने सीखना है सीखना है सीखना है, पता नहीं चलता कब आप खुद सीख जाते हैं और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप किसी को फ्री में कह दोगे यार चलो यार मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, मैं भाई जा मैं तेरे लिए बना देता हूँ, एक बार दो बार तीन बार, यार इतनी हया उसको भी आएगी कि यार 3 बार इसने बना दिया, चौथी मरतबा मैं इसको पे कर दूँ। लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट ऐसा नहीं होता, आप जब किसको डायरेक्ट मार्केट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की तो वो आपको काम देगा ही देगा, तो बिस्मिल्लाह करें। लेकिन उससे पहले प्लीज, ये आपकी टीचर की रिस्पेक्ट होती है इसमें, कोई आप पे उंगली उठाता है ना तो वो आप पे नहीं उठाता, वो आपके उस्ताद पे उठाता है, और जब आप कामयाब होते हैं तो आप नहीं होते, बैक एंड पे आपके उस्ताद कामयाब हो रहे होते हैं। तो इससे पहले कि मार्केट में कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहे, उससे पहले मेरा भाई अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि आपको अगर कोई ए बोले तो आप बी बोल सकें, बी बोले तो आप सी बोल सकें, आप खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें। रिसर्च वर्क प्लस ट्राई 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 देन मार्केट में उतरे, 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन YouTube पे एक्सप्लोर करें कि यार किस 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 तरह किस किस कैटेगरी की चीजें होती हैं। आप कैनवा को एक्सप्लोर कर लें, वो ही अपने अंदर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप थीसिस उस पर बना सकते हैं। यार थीसिस मैंने अगले दिन देखा 1,40,000 में बंदा थीसिस बना रहा है, और थीसिस की क्या चीज है, मैं कहता हूँ कि आप परेशान हो जाओ कि वर्ड में वो बंदा आपको वो देगा, आपने सिर्फ थोड़ा सा उसको डिजाइन शिजाइन करना है और ये आपने थीसिस बना के लो भाई, मतलब 2 से 3 मरतबा उसको कह देते हो कि जी मैं रिवीजन कर सकता हूँ, थीसिस हो गए, आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो उनको, आप किसी के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हो यार, आप मतलब कवर लेटर बना सकते हो। उसके बाद चैट जीपीटी के अंदर वो बात हो रही थी, इंशाल्लाह इसको तफसील में भी डिस्कस करेंगे कि चैट जीपीटी से आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज बना सकते हैं आप, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस बना सकते हैं आप, तो कुछ भी कर सकते हैं, कंपनीज के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो एक बेहतरीन टूल है, डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं किसी को भी ना। तो स्टार्टअप लें, लेकिन उससे पहले अपने आप को थोड़ा सा परफेक्ट बनाएं, ताकि आप मार ना खाएं, क्योंकि मार्केट में एक बंदे का एक मरतबा अगर नाम खराब हो गया ना तो बंदा कभी गिरा हुआ उठता नहीं है। नाम खराब नहीं करना, थोड़ा सा इंतजार कर लो, सबर कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ना चीजें समझ आए तो अपने आपके सर आपके पास अवेलेबल है, सर से पूछ लें जी। और कोई किसी का कोई सवाल हो सर? अस्सलाम जी, मैं एक थोड़ी सी मिसाल देना चाहता हूँ जी, अगर जाने तो। जी जी, मैं बेसिक जॉब करता हूँ जी, और 3 साल पहले मैंने गारमेंट्स को, गारमेंट्स में ना स्टिचिंग में, 3 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था, मैं दूसरे शोबे से आया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना पता है
कि अगर उसको एक्सपोर्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। माशाल्लाह। देखिए ना, आपको आइडिया हो गया ना, आपको पता चल गया कि मैंने करना किस तरह से है। नया नया बंदा तो जहरी सी बात है उसको आइडिया नहीं होता, जब बंदा इन हो जाता है ना तो चीजें खुल जाती हैं। आप पीकेआर में नहीं इन हो रहे यार, आप खुद को 100 टाइम मल्टीप्लाई कर लें। आप जा कहाँ, जंप कहाँ पे रहे हैं, डॉलर्स में जंप कर रहे हैं। उधर का 1 रुपया कमाना है, इधर का आपने मतलब पौने 300 रुपया कमाना है। उधर का 350 रुपया होगा, आप जनाब 1 लाख रुपया अपनी जेब में। मुझे बताए ना कौन सा ऐसा ब्यूरोक्रेट है जो हलाल कमा रहा हो और माशाल्लाह 1 लाख रुपया कमा रहा हो। ठीक है, 17वें ग्रेड का ऑफिसर होता है, बड़ी अदा, वो 60-65-70 हज़ार के इर्द गिर्द होता है। बैंकर 1 लाख के अराउंड होता है, 1.5 लाख मैनेजर होगा लेवल का तो 1.5 लाख होगा। तो जनाब आप सिर्फ कैनवा पे थोड़ी सी स्किल ले लें, $1,000 पर मंथ आप कमा सकते हैं। 2,70,000-75,000, 270 का लेट सपोज, या 60 के 250 का भी डॉलर है तो 2,50,000 तो आप महाना कमा रहे हैं। अगर $500 कमाते हैं तो आप 1,25,000 कमा रहे हैं। तो मुझे बताएं ना कौन सा इतना बड़ा फन्ने खाए जो पाकिस्तान में इतना कमा रहा है हलाल। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें, महीना लग जाए, 20 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए। रिटर्न कैसे आ रहा है, रिटर्न आपको डॉलर्स में आ रहा है। ठीक है, तो आप अपनी वर्थ इस तरह से बना लें, आप अपना डिस्प्ले खूबसूरत सा बना लें। ये जो आपने दुकान में जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं, शशके मशके देख रहे होते हैं, यार बड़ी खूबसूरत डिस्प्ले है उनका, ये वो आपका डिस्प्ले ना, या तो आपकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो आपकी आपका डिस्प्ले होता है। फिर आपका ये जो सोशल मीडिया चैनल्स है वो आपके डिस्प्ले होते हैं। अब उन चैनल्स को किस तरह से डिस्प्ले करना है वो इनशाला हम फेसबुक की वो जो मैं आपको क्लास दूंगा उसमें आप समझ जाएंगे कि यार किस तरह से हम अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं। एक आम इंसान भी अपने आप को ब्रांड बना सकता है, लोग आपसे मशवरे भी लेंगे, और आप लोगों को मशवरे दे रहे होंगे तो लोगों से दुआएं भी समेट रहे होंगे। जी, और किसी का कोई सवाल जिसको आज का लेक्चर सेशन समझ ना आया हो, अभी जिसके लिए अर्निंग रॉकेट साइंस है वो मुझसे पूछ सकता है, सवाल कर सकता है। जी बख्त जोरा अवेलेबल है आज? जी बख्त मैन आप हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। जी सर, जस्ट थैंक्स करना था और जजाकअल्लाह बोलना था कि माशाल्लाह डे वन से ही, जब से ही मतलब हर चीज सीखने का मौका मिल रहा है। थैंक यू जी, जजाक अल्लाह करीम, आपको जजा दें, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब फरमाए, तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को कामयाब करें जी। क्योंकि बिल्कुल जीरो पे थे, हमें तो कुछ भी नहीं आइडिया था, और इनबॉक्स पे जब भी गए हैं तो मोटिवेट ही किया गया है हमेशा। तो थैंक्स, जज़ाकअल्लाह। आमीन जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग ये अपनी अटेंशन दे रहे हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैनी मैनी बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू। और जी बक्सोरा बहन, आपको समझ आई? जी, और कोई ऐसा है जिसको समझ ना आई हो? माशाल्लाह सबको समझ आ गई है। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपने टीचर से या मेंटोर से पूछेगा कि हमें पता नहीं अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, सॉफ्टवेयर तो ले लिए हैं लेकिन हमें यूज करने नहीं आ रहे। यूज करेंगे तो जनाब यूज होंगे ना जी। किसी का कोई क्वेश्चन है भाई? चलिए ये बता दें कि समझ आई है या नहीं आई। जी सर आ गई। सर बहुत अच्छे से समझ आई है। सर आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर नहीं भी समझ तो आगे से आपसे पूछ लेंगे, आप हैं ना हमारे साथ। अगर समझ आ गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर इस पे इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दें, कोशिश करनी शुरू कर दें। फिर
फिर समझ का फायदा होगा। अगर आप करेंगे नहीं सिर्फ समझ, देखिए आज अगर आपको समझ आई है ना, आप कल पे पोस्टपोन करेंगे ना, अच्छा यार कल नहीं कल कर लेंगे, तो जो समझ आ रही होगी ना वो अपने साथ, जो पहले समझ आ रही होगी ना उसको भी साथ बहा के ले जाएगी, ठीक है। तो जब तक आप कुछ करते नहीं है ना, तब तक फिर वो समझने, जो भी समझा ना वो बिल्कुल ना समझी है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें जी। स्टार्ट करें जिस तरह से मैंने बताया, लोकल से स्टार्ट कर लें, पाकिस्तान से स्टार्ट कर लें, इंडिया से कर लें, अगर किसी को लैंग्वेज का इशू है चाइना से शुरू कर लें, इंग्लिश में अगर बेहतर है कोई यूएई से शुरू कर लें, गल्फ से शुरू कर लें, यूएसए से शुरू कर लें, किसी एक मतलब कंट्री को पकड़ लें, किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ लें, किसी एक निश को, कैटेगरी को पकड़ लें, कुछ भी कर लें आप, इंशाल्लाह अर्निंग होगी सर। जी मेरी आवाज आ रही है जी। सर अभी आपने जो एहतियात वगैरह दिए हैं ये उनके लिए थे जिन्होंने सॉफ्टवेयर बैक किए, अब मेरी जैसे कुछ और भी होंगे जिन्होंने सॉफ्टवेयर नहीं लिया, हम मोबाइल पर ही ज्यादातर काम कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ी बहुत गाइडेंस दें कि हम क्या करें। जी सबसे पहले गाइडेंस तो आपके लिए यही है जनाब, आपको कैनवा सिखा दिया तो आपके गोश गुजार ये भी किया है कि अगर सिर्फ आप कैनवा को अंडरस्टैंड कर लें, कैनवा को समझ लें, तो $1,000 500 से इनिशियल स्टेज पे $1,000 तक पर मंथ कमा सकते हैं। लेकिन एक बार जहन नशीन कर लें कि मोटरसाइकिल पे अगर आप कोई एक आध सवारी बिठाएंगे भी ना, तो एक बंदा पीछे बैठा देंगे। अगर मेरी ये ख्वाहिश होगी कि यार नहीं मैं लीटर पेट्रोल में कोई 100 150 200 कमाना चाहता हूँ ना, तो फिर मुझे मोटरसाइकिल नहीं, एक चिंची रिक्शा चाहिए, मतलब जिसकी आगे बाइक इंजन हो, बाइक हो और पीछे जो है एक बॉडी हो, जहाँ पे मैं बिठाऊँ 6 सवारियां बैठे, तो मुझे थोड़े थोड़े भी पैसे देंगे तो मेरे लीटर पेट्रोल के पैसे भी कवर हो जाएंगे और वो मुझे कुछ अर्निंग भी हो जाएगी। तो मोटरसाइकिल में और रिक्शा में फर्क है। इसी तरह मोबाइल में, अगर आप मोबाइल बेसिकली है यूज करने के लिए, या आप एक बड़े एडवांस लेवल पे हैं तो आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो ठीक है। आप मोबाइल पे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर आपने स्केड्यूल पोस्ट की हुई है तो आप उसको चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अर्निंग करनी है ना, तो उसके लिए लैपटॉप का होना जरूरी है जी सर जी। और उसके लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। अल्लाह करीम आपको आसानियां फरमाए आपके लिए, तो इंशाल्लाह लैपटॉप आ जाएगा तो उसकी अच्छी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी मोबाइल पे भी जो है ना आप सोशल मीडिया की वो देखा करें, लोग किस तरह से डिजाइन बना रहे हैं, मैं किस तरह से बनाऊं, डिजाइन होता क्या चीज है, इसकी समझ किस तरह से, इसको समझे पहले, ठीक है। बाकी भी इंशाल्लाह समझ जाएंगे। उसके बाद एसईओ का जिक्र किया है, फिर यूट्यूब एसईओ का जिक्र किया है, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, भाई ये सब ये उनके लिए जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं बाय कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहते। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है वो तो एक एडवांस लेवल है ना, आप किसी की भी गर्दन पकड़ सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, इधर मैं तुम्हें बताऊं मैं कौन हूँ, तो ये जो है ना कि मैं कौन हूँ ये बताने के लिए आपको उसके इनबॉक्स में जाना पड़ेगा। सही जी, थैंक यू सर जी, प्लेजर। जी किसी का कोई सवाल? एक मरतबा फिर से इस ब्लॉग को आप रीड कर लें, बीइंग गुरु का है ये ब्लॉग, अपवर्क रिलीजेस मोस्ट इन डिमांड फ्रीलांस स्किल्स ऑफ 2023। तो आप ये ब्लॉग पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इन डिमांड होंगी 2023 में। लोगों ने माजी में यहाँ पे बहुत पैसा कमाया है, देखें साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कितने अमेरिकन्स ने कितना कमाया है और आगे कितना एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। तो जब आप ब्लॉग पढ़ेंगे आपको पता चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है। कोशिश किया करें ब्लॉग्स पढ़ा करें, इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो आपको बड़ा ट्रेन करती है, आपको मार्केट का पता चलता है। डेटा एंट्री भी है, डेटा एंट्री भी लीड जनरेशन की तरह होती है, उसको भी डेटा एंट्री कैटेगरी में कहा जाता है, ठीक है जी। डिजिटल प्रोडक्ट, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो ये सारी आपके लिए ना इजी टू ईट कह लेना, मतलब हर चीज तैयार है, बस आपने उठाना है उसे नवाला बना के खाना है, तो बस नवाला बना के खाएं। क्योंकि अब अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कोई आके हमें खिलाए तो फिर ये भी बुरी बात है ना, थोड़ी सी मेहनत आप कर लें, बस उठा के मुंह में डाल लें खा लें, नहीं तो फिर इतना भी अगर आप नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हम लोगों का।
जी, और किसी को कोई सवाल है? हेलो, सर। समझ आ गई है आप लोगों को? जी सर। जी सर, आगे है। अब जी इंशाल्लाह स्टार्ट सर। करेंगे। जी स्टार्ट करेंगे जी, जिस तरह से बताया जी गया आपको। सर। जी सर, इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह करीम आपको कामयाब फरमाए। ठीक है जी, जो जो सेशन काफ़ी लंबा हो गया है, चूँकि ये थोड़ी सी अगर तो आप समझे हैं तो आपके लिए बड़ा ये बेनिफिशियल साबित होगा, लेकिन नहीं समझे तो डेफिनेटली बोर हुए होंगे या मतलब जान छुड़ा रहे होंगे। लेकिन ये जो नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंडे में जो सेशन स्टार्ट होगा, वो भी एक 1.5 घंटे से के अराउंड होगा, और उसमें आपको सोशल मीडिया की सारी कोशिश करूंगा कि टिप्स और टेक्निक्स दूँ, किस तरह से चीज़ों को वायरल करना है और किस तरह से अपने आप को एक ब्रांड बनाना है। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा मैं। जुड़े रहिए साथ, और जो कहा गया है, खुदा रहा थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा सा टाइम दे दें, 2-3 घंटे जो है ना अपने आप को दे दें, उस पर वर्क करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। और जो जाना चाह रहे हैं, अगर किसी का सवाल नहीं है तो जी फी अमानिल्लाह, अल्लाह के मान में रहें, अल्लाह पाक सबको। सर, जो सर सुशांत से सवाल पूछे थे वो वाले। जी आपको सर बता देते हैं, उनका जवाब बता देते हैं जी। वो आपको सर आंसर्स करके ओके सेशन में मिल जाएंगे। ओके देखें, मेरी बात सुने, मैम, थैंक यू। एक चीज और देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, अब जो है ना 11:30 हो गए हैं अराउंड। एक तो आप माशाल्लाह से आते भी 11:09 पे हैं, 9:15 पे। उस्ताद लोग जो आते हैं वो 9 बजने से 5 मिनट पहले ही बैठे होते हैं, तो सीखने वाले वो 20-25 मिनट बाद आते हैं, अथॉरिटीज जो हुए ना। तो कोशिश करें अगर टाइम पे आ जाए करें तो लेक्चर लेट स्टार्ट ना हो। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर अब आप कहेंगे कि सर बताएंगे तो मैं इस हक में नहीं हूँ, क्योंकि काफी जो है ना वो स्ट्रेस हो चुके होंगे, चीजों की समझ नहीं आएगी। तो इसको कल पे रख लें, जिसका जो जो जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू चल रहा है ना, उसको आपकी मेहरबानी एक नोटबुक रख लें, उस पे लिख लिया करें, नोट कर लिया करें। प्रोफेशनली भी अपने आप को ना नोट करने की एक बुरी आदत डालें कि आपने कुछ भी है ना तो आपने लिखना ही लिखना है। जैसे बचपन में बंदा वो अच्छी मतलब नीट कॉपियों पे HW करने की बजाय वहां पे डिजाइन बना रहा होता था ना, इस तरह कुछ ना कुछ लिखा करें। तो आप लोग ये नोट कर लें, जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है इंशाल्लाह कर आपके टीचर जो है ना, जो सवाल होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। जी सर, थैंक यू सर, जजाकला सर। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जी वो सर, पिछले हफ्ते जब आखिरी दिन था कोर्स का, सॉरी मतलब हफ्ते का, तो उस दिन सर कह रहे थे कि मैं ना यूट्यूब बनाना सिखाऊंगा, तो वो फिर कब स्टार्ट कर रहे हैं। जी आप लिख लें, कल ये सवाल सर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने बात की है तो डेफिनेटली वो ही जवाब देंगे ना। तो वो आप अगर उन्होंने कहा है तो आपको जरूर बनाना सिखा देंगे जी। ओके सर, थैंक यू। कौन से करे और प्यारे हाथे तो मम्मी का, मुझे इजाजत है सर। जी, आपको इजाजत है जी। ओके अल्लाह सर, हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, ओके फी अमानिल्लाह जी, खुदा हाफिज। सर। जी और किसी को कोई सवाल? जी दुआ बहन के बोलने की तो जरूरत नहीं है ना, अगर आपको समझ आ गई है तो। जी निम्रा आपका कोई सवाल है? नो सर। ओके जी, और किसी का कोई, और किसी का कोई सवाल पूछ लें अगर किसी का। नो सर। जी बक बहन आज बोली नहीं है, इनको ही ये प्रॉब्लम थी, इनके लिए ये सेशन कंडक्ट किया था स्पेशली, लेकिन वो शायद अवेलेबल नहीं है जी। आपदा बहन के भी इश्यूज थे, वो भी उनको कहा कि आप लिख लें,
इंशाल्लाह वो भी समझ आ जाएंगे इनको, कल सर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। होपफुली आयशा सईद के भी सवाल का जवाब दे दिया होगा, नहीं तो वो कल सर दे देंगे। जी अंबर मलिक है यहाँ पे, आपको कोई सवाल है जी? जी कोई सवाल है आपका? सर ये जो कॉल सेंटर होते हैं ये पीसीओ होते हैं? नहीं, आपने कॉल सेंटर पीसीओ नहीं होते ना, ये फिजिकली मैं आपको वो तस्वीर किसी वक्त दिखा दूंगा। वो एक मतलब टेबल होता है जिस तरह आपके घर में होता है ना, 3 बाय 5 का, तो उसको डिवाइड किया होता है 4 हिस्सों में, तो कैबिन से बने होते हैं, लैपटॉप सामने होता है, हेडफोन लगाया होता है, और वो जो थ्रू इंटरनेट जो है ना वो लगा के ना आईपी चेंज करके तो कॉल हो रही होती है। पीसीओ नहीं होता जी, वो पीसीओ नहीं अस्सलाम होता। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप कहें तो मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं आप ही को कॉल सेंटर के बारे में, क्योंकि हमारा अमेरिकन कॉल सेंटर था जी और जी मुझे मैंने। पता है जी, मुझे पता है, आप कर दें जी गाइड उनको, कर दें जी। अच्छा वैसे हमारा ना अमेरिकन कॉल सेंटर था, तो हम लोगों ने अमेरिका को हम लोग ना कंपेन प्रोवाइड कर रहे थे मेडिकेयर की, तो उसमें मतलब मेडिसिन वगैरह और स्पेशलिस्ट जो अमेरिका के डॉक्टर होते हैं उसे मतलब हम लोग कंपेन वो वाली चला रहे थे मेडिकेयर की। हाँ डिफरेंट वो और है, मेडिकल की हैं, उसके अलावा जी इलेक्ट्रिसिटी की होती हैं, कैंपेन्स होती हैं, काफी ज्यादा होती हैं जी डिफरेंट और कैंपेन्स होती सर वैसे तो फाइनल एक्सपेंस भी आजकल हमारे पाकिस्तान में चल रहा है और मेडिकेयर नहीं चल रही, क्योंकि जो बाइडन ने मना कर दिया पाकिस्तान के साथ काम करना ना, हैं। तो बाकी जो मेडिकेयर वही चला रहे हैं जिनके अपने डॉक्टर्स बैठे हैं अमेरिका में, कोई नहीं, जो तो बाइडेन क्या कर बाकी सकता है, यही तो इश्यू है ना, यही तो आपको समझाया कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान हालत जंग में है, जिस तरह से ये आपने देखा था कि रशिया की और ये पिछले दिनों ये जो जंग चली थी, तो अपवर्क ने रशियन जितने भी फ्रीलांसर थे उनको उठा के बाहर फेंक दिया, ठीक है, ये इस तरह से चबले मारते हैं। तो आप डायरेक्टली जो है ना अप्रोच करें, आप अप्रोच कर रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप मार्केटिंग, जिन लोगों को पता है कि ये लोग काम करने वाले हैं वो काम देंगे, ठीक है। बाकी अल्लाह करीम अपने तो हिफ्ज़ व अमान में रखें जी। सर अभी हम कॉल सेंटर के थ्रू कौन सा काम कर सकते हैं? अस्सलाम अभी कॉल सेंटर के थ्रू जो मर्जी, जो आपको वालेकुम कैंपेन, जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते। वालेकुम सलाम जी। सर, यही कि अभी हम कॉल सेंटर के थ्रू कैसे काम कर सकते हैं, कौन सा काम कर सकते हैं? जी देखें, कॉल सेंटर के प्रोजेक्ट होते हैं, आप आपका क्लाइंट आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है, वो आपको प्रोजेक्ट देता है, उसके पास जो प्रोजेक्ट होते हैं आपने उसके अकॉर्डिंगली कैंपेन चलानी, कॉल सेंटर की कैंपेन चलानी होती है। सही ठीक। वैसे जैसे मार्केटिंग करनी है हमने क्लाइंट्स की, उनके जी प्रोडक्ट्स की। जी बस वो ठीक मार्केट आप थ्रू मैसेजेस होती है, ईमेल मार्केटिंग होती है, व्हाट्सएप मार्केटिंग, इस तरह से ये कॉल करके बंदे मतलब बंदे को जो बंदों को जो है ना फर्दन फर्दन उनको बताया जाता है या उनसे पूछा जाता है। सर, जो कॉल सेंटर होते हैं उन्हें तो रोजाना के उन्हें टास्क फ्रेश नंबर मिलते हैं चाहिए होते जी, हैं। रोजाना के उनको टास्क मिलते हैं, फ्रेश नंबर मिलते हैं, और समटाइम ये होता है कि उनको कंट्री भी चेंज करना पड़ता है, और कुछ लोग कस्टमर सपोर्ट भी रखते हैं। जी जी अगर किसी और का कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो सेशन एंड करें जी, काफी टाइम हो चुका है, 11 बजने वाले हैं जी, 11 मिनट रह गए 11 बजने में। जी सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, ओके अल्लाह फॉर हाफिज, जजाकल्ला सर।